ओके okay, अब इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो शुरू करने से पहले देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने आपसे पूछा था कुछ दिन पहले कि आप मुझे अपने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मुझे सब बता दो जिससे कि मैं सारे की सारी, सारी चीज़ें एक साथ इंक्लूड करके आपको मैं एक ही वीडियो दे दूँ तो ऑलरेडी लेकिन ये वीडियो डेढ़ घंटे से ऊपर की हो चुकी है ठीक है सो so, मैं इसी रीजन से खाली यूट्यूब शॉर्ट्स ठीक है जो यूट्यूब शॉर्ट का सेक्शन है वहां जाकर चेक कर लेना है वहाँ पर मैंने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके जितने भी आपकी क्वेरीज आएंगी मैं उस शॉर्ट्स की वीडियो में डाल दूंगी जिससे कि जो चीज़ें हूँ वाला है आपको सिक्सटी सेकेंड्स के अंदर आपको सारी चीज़ें पता भी चल दें कुछ गलतियाँ भी ना करो आप और आपके सारे के सारी क्वेरीज भी सॉल्व हो जाए एंड ट्रस्ट मी मैंने सबके क्वेश्चन देखे हैं कि भाई मुझे ये बता दो कि पेंटिंग या नंबर ऐड होंगे नहीं होंगे कॉलेजेज में ये सारी वीडियोज़ इनफ है कि नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज ले आओ इतना पढ़ के काम हो जाएगा सारे क्वेश्चन देखें मैं तो सब आपको आंसर्स मिल जाएगा YouTube के अंदर ठीक है तो जरूर चेकआउट करना ओके ये पहली चीज दूसरी चीज ये अभी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एंड प्लीज अपने पास नोटबुक लेके बैठो जिससे कि आप जो मैं नोट्स आपको बोर्ड पर कराऊंगी तो वही चीज आपके प्रॉपर उसको एज इट इज जहाँ पे एरो है जहाँ पे क्लाउड है जहाँ पे फ्लो चार्ट आप उसको एज इट इज नोट डाउन कर सको जिससे कि जो पढ़ाए वो सुन रहे हो फिर जो देखोगे वो सब आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से छप जाए विजुअलाइज हो जाए मेमोरीज के अंदर ठीक है ओके इसके बाद थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो अब आपके एग्जाम्स हैं ठीक है आपके पास मुश्किल से एक हफ्ता होगा एक दिन होगा या फिर दो दिन होंगे ऐसे कुछ टाइम पीरियड होगा ठीक है आपको करना क्या आपको खाली काम है सात वीडियोज़ का दैट्स एट सात वीडियोस के अंदर आपका पूरा का पूरा पेंटिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा करना क्या है सबसे पहले आप जाकर चेक करो ये चार वीडियोज़ आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है ठीक है आपको सबसे पहले इन वीडियोस को देखना है जिसके अंदर जो पूरा चैप्टर है वो मैंने यूनिट वाइज डिवाइड करके वन शॉर्ट बनाया है ठीक आपने ये कम्प्लीट कर लिया फिर आप आए इस वाली वन शॉर्ट रिविजन पर जिस क्योंकि इसमें आपका पूरा सिलेबस का एक साथ आपने इसको फोकस किया एक लगा करके अपने पूरी की पूरी वीडियो देख ली ठीक इसके बाद हम गई दो वीडियोस पे जो हो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस इनको क्या करना है भाई इसको आपको खाली जाकर के सुनना है ध्यान से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस चैप्टर से ये चीज़ें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आइए तो मुझे इन्हीं चीज़ों पे ही फोकस करना है खाली और खाली ठीक है तो बाकी चीज़ें जो मैम ने दीदी ने मैम ने वॉट जो बताई थी वो क्या है वो खाली मेरे को सुननी थी बाकी इन इन चीज़ों पर फोकस करना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई ठीक है तो इससे हुआ क्या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की दोनों वीडियो है माना कि ये पुराने वाले सी मतलब लास्ट ईयर में मैंने बनाई थी बट बट

आप लोगों के लिए वो वाली वीडियोस लेकर के आ जाऊँ ठीक है ओके एंड जितने भी नोट्स हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक टेलीग्राम का वहाँ पे ऑलरेडी फोर्टीन uh, से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे ऑलरेडी 1400 हंड्रेड से ज़्यादा बच्चे हैं सो so, आप जा करके के वहाँ से आप सारे के सारे जितने भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है नोट्स हैं सब देख करके वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ओके तो राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनेचर पेंटिंग का जो ओरिजिन है डेवलपमेंट है वो कैसे कहाँ से ओरिजिन हुआ कैसे डेवलपमेंट हुआ वो था आपका भाई सिक्सटीन सेंचुरी से आप एडी से आपका इसका शुरुआत हुई थी ठीक है ए नहीं लिख रहे लिख रहे हो इट्स ओके इट्स कोई बड़ी बात नहीं है वो सिक्सटीन सेंचुरी आपसे इसका आपकी स्टार्टिंग हुई थी ठीक है कैसे स्टार्टिंग हुई थी, थी भाई अप्रभ्रमशा स्टाइल से स्टार्टिंग हुई थी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मुझे बताओ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनेचर पेंटिंग के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लेके आना आपका पाँच से सात नंबर का क्वेश्चन आ गया बिल्कुल लॉन्ग वाले पोर्शन में ठीक है तो आप ऐसे लेके कर आगे करके आ भाई कि आपको सबसे पहले लिखना है उसका ओरिजिनल डेवलपमेंट उसका सब स्कूल टेक्निक एंड सब्जेक्ट मैटर उसके मेन फीचर्स बस आपसे इतनी चीजें पूछेगा ये इसमें अब हो सकता है आपको सब स्कूल के अंदर कुछ पॉइंट्स है जैसे सपोज छह सब स्कूल है हमारे ठीक है बीकानेर मेवाड़ बूंदी किशनगढ़ जोधपुर जयपुर छह हैं छह में से आपको तीन भी याद हैं कोई भी तीन एक दो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एक नॉर्मल कोई भी चलेगा ठीक है कोई भी तीन से चार आपको याद हैं तो इट्स मोर देन ए ठीक है मेन फीचर्स हैं मेन फीचर्स में आपको दस के दस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें से आपको पाँच मिनिमम पाँच याद हैं चार याद हैं तो चलेगा ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए गॉड oh गॉर्डमेंट को इतना सब कुछ याद करना है कुछ याद नहीं हो रहा है तो ऐसा मत करना ठीक है सब कुछ रिलैक्स ऑन द ग्राउंड लेके चलो ठीक ओके okay. सब आते हैं भाई जब इसके स्टार्टिंग हुआ था तो इसको हम लोग राजपूत राजस्थानी हिंदू इन तीन में से किसी एक नाम से जानते थे या आज भी इसी नाम से जानते हैं बट सबसे ज़्यादा जो प्रचलन है क्योंकि राजस्थान के साइड को बना था तो इस वजह से इसको राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनेचर पेंटिंग बोला जाता है ठीक है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में खाली कन्फाइन टू द किंग्स था खाली किंग्स के बीच में रहना उनको प्रेस करना उनके आर्ट को दिखाना राजा रानी रॉयल कोर्ट इन सबको दिखाना बट जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ टाइम आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने आर्ट के अंदर अपने जितनी भी पेंटिंग्स बनाते थे तो उसके अंदर कॉमन फोक्स को दिखाना उनकी प्रॉब्लम्स को दिखाना जनरल थीम्स के ऊपर फोक थीम्स रोमांस उनको दिखाना भी शुरू कर दिया कैसे कैसे भाई टाइम पीरियड के साथ साथ तो बढ़ता चला गया अलग अलग किंग्स के टाइम पे अलग अलग पैटर्नाइजेशन के टाइम पे बस इतना था आपको ओरिजिनल डेवलपमेंट और कैसे हुआ आपका राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनेचर पेंटिंग का फिर हम आते हैं भाई इसके आपके भाई कौन कौन से मेन आपके सब स्कूल हैं ठीक है थीके? तो मेन से मेन आपको एटलीस्ट एक, एक तो याद रखने पड़ेगा पड़ा इज़ मेवाड़ मेवाड़ आपका बहुत मेन है क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पे आपका जो प्योरेस्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है आपका सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन आ रखा कि कौन सी ऐसी जगह है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म के नाम से जानी जाती है दैट इज़ आपका मेवाड़ स्कूल ठीक है तो मेवाड़ स्कूल ऐसा था जहाँ पर आपका जो बिल्कुल कोई भी मुगल्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था यहाँ पे बिल्कुल से बिल्कुल आपका प्योरेस्ट फॉर्म में आर्ट हुई थी ठीक है इसी के साथ साथ तो तो आते हैं हम बूंदी के ऊपर और बूंदी में आपका सेवनटीन सेंचुरी में आपका आया था यहाँ पे पेंटिंग बूंदी जगह खाने वाली बूंदी नहीं है ये ठीक है बूंदी में आपका सेवनटीन्थ सेंचुरी में आपका आर्ट आया था यहाँ और सबसे ज़्यादा जो मेन पॉपुलर थीम थी वो था आपका भ्रहासा भ्रहासा और यहाँ पर बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्कूल था और प्रॉपर अनब्लेमिश कलर्स का यूज़ किया गया और अलग अलग डिज़ाइंस का यूज़ किया गया ठीक अब आते हैं हम बीकानेर के ऊपर मैंने बीकानेर क्यों उठाया क्योंकि भाई आपको मैंने बताया तो एटलीस्ट तीन तो लिखने ही लिखने हैं तो तीन को भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दो बस आपको जोधपुर जयपुर किशनगढ़ ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है मैंने डाला इसलिए क्या पता किसी और को वो इजी लग रहा हो ठीक है तो वो भी आप लिख सकते हो ऑफकॉर्स की बात है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वही लिखो बट मेवाड़ को बिल्कुल नहीं भूलना है अपने नस पर बना के लिख लो कि मेवाड़ जो है वो आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट मेवाड़ में ही आया था ठीक है चलो भाई तो बीकानेर में आते हैं भाई मोस्ट प्रोमिनेंट किंगडम था वो बीकानेर आपका और इसी के साथ साथ यहाँ पे ना अलग अलग प्रैक्टिसज़ आर्ट को दिखाने के लिए अलग अलग टाइप के स्टूडियोज़ बनना शुरू हो गए आर्ट स्टूडियोज जिनको बोलते थे मंडी क्या बोलते थे सब्जी वाली मंडी नहीं मंडी बोला जाता था और यहाँ पे मुगल्स का इफ़ेक्ट जो है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है है यहाँ पे विजिबल ठीक है इसी के साथ साथ आते हैं हम लोग जयपुर पे तो जयपुर में सबसे पहले जो ओरिजिनेट हुआ था वो हुआ था अब अजमेर के अंदर सवाई मान प्रसाद सवाई प्रताप सिंह के टाइम पे बिल्कुल शेखर पे क्योंकि भाई उनके जितने भी आर्ट वगैरह बनते थे ना उनके टाइम पे ये राजा का नाम है सवाई प्रताप सिंह सवाई प्रताप मान सिंह नाम है उनका तो इनके टाइम पे बिल्कुल आर्ट वगैरह जितने भी था बिल्कुल ऐसे क्लाइमैक्स पे पहुंच गया था बहुत ऊपर ऊंचाई पे पहुंच गया था इनके टाइम पे इसलिए इनका नाम दे रखा है यहाँ पे मुगल का जितना भी इन्फ्लुएंस है वो प्रॉपरली हम लोग क्लियरली विजिबल देख सकते हैं फिर आते हैं आपके जोधपुर पे बहुत छोटा सा है बहुत इजी है ये ठीक है कि भाई इंपॉर्टेंट सेंटर यहाँ पे जो मुग़ल का इन्फ्लुएंस है बहुत लेस इन्फ्लुएंस हम लोग देख सकते हैं लेकिन देख रहे हैं और किशनगढ़ दैट इज़ आपका बहुत ज़्यादा आपका स्टाइलाइज पेंटिंग बनी थी सोफेस्टिकेटेड पेंटिंग्स बनना शुरू हुई थी यहाँ पर और आर्टिस्ट ने अलग अलग कलर के साथ यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई थी ठीक तो मेन आपके खाली वैसे इंपॉर्टेंट तीन है मेवाड़ को लिखना ही लिखना बूंदी और जयपुर जोधपुर पूरा आपको फिर बिकाने तीनों में से जो भी अच्छा लगेगा वो लिख सकते हो ठीक है फिर हम आते हैं सब्जेक्ट मैटर पे सब्जेक्ट मैटर एज इट इज जो मैंने आपको यहाँ पे लिखकर कहा है आप यही लिख करके आना अब दो ही आपके खाली मेन और मेन इसमें आते हैं सब्जेक्ट मैटर के अंदर दैट इज रिलीजियस और रोमांटिक इन्हीं दोनों थीम्स के ऊपर आपके जितनी भी पेंटिंग्स थी वो बनाई गई थी रिलीजियस के अंदर हम लोग आ सकते हैं भगवत पुराण रामायण गीत गोविंद एंड सूर सागर ये चार नाम हैं ठीक है इसी के साथ तो रोमांटिक के अंदर आते हैं हम लोग तो रागमाला रसिक प्रिया नायक नायिका भेद ठीक है तो मैंने खाली मिनिमल नाम लिखे हैं यहाँ पे ओके okay. फिर आते हैं लोग सेकेंड पॉइंट पर तो सेकेंड पॉइंट में देख रहे हैं भाई भ्रामासा भ्रामासा अगेन ही पेंटिंग का थीम था जो आपको बूंदी में भी दिखाई दिया था ये भी बहुत ज़्यादा पेंटिंग वगैरह हुई थी इसकी राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग्स के अंदर और तो और इसी के साथ साथ कोर्ट सीन बैटल हंटिंग ये सारे अलग अलग टाइप के सीन्स थे जो कि पेंटिंग में बनाई जाती थी राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग के अंदर सब्जेक्ट मैटर का मतलब यही होता है कि भाई मुझे ये बताओ कि जितनी भी पेंटिंग्स बन रही हैं ठीक है बहुत सारी पेंटिंग्स है मेरे पास तो मैं उसमें सबसे कॉमन चीज़ें क्या दिख रही हूँ ऊपर ऊपर से टाइम को तो अभी मुझे रोमांस दिख रहा है मुझे रिलीजन दिख रहा है मुझे ब्रह्मासा थीम्स दिख रहे हैं मुझे जितनी भी पेंटिंग्स तो मुझे उसके अंदर बैटल हंटिंग सीन्स ये सारी सीन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं रॉयल पोर्ट्रेट्स हैं और तो वह जितनी भी पेंटिंग्स हैं राजस्थानी पहाड़ी दोनों में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रोमिनेट पेंटिंग्स बनाई गई है वो है राधा कृष्णा जी के ऊपर ठीक है जो कि रिलीजियस भी है और साथ ही साथ आपके रोमांटिक भी है ठीक है राधा कृष्ण की जोड़ी हम सबको पता है ठीक है तो रिलीजियस भी है और रोमांटिक भी है तो इसको ना आप एक काम करना जब आप अपना आंसर लिखोगे टीचर के ऊपर छम जाएगा कि भाई आप लिख देना रिलीजियस प्लस रोमांटिक इज इक्वल्स टू राधा कृष्ण जी ठीक है तो उससे क्या होगा आप ये सब पता चलाएगा उनकी हाँ भाई रिलीजियस थीम्स और रोमांटिक थीम्स जो हैं वो हम लोग दोनों में देख सकते हैं किसमें राधा कृष्ण जी की जो पेंटिंग्स बनती थी वो इन दोनों थीम्स के ऊपर भी बनती थी ठीक है मैंने भी अपने पेपर में ये काम किया था इसलिए आपको बता रही हूँ ओके चलो आते हैं अब मेन फीचर्स मेन फीचर्स में, फीच्च्च, में फीच्च्च पर आपको वैसे तो बहुत बता रखे हैं मैंने आपको पहले बता है कि आपको बहुत सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है आप कोई भी पाँच छः लिख सकते हो दैट इज़ मोर देन एनफ तो ये कुछ सबसे इजी इजी से हैं और कुछ इंपॉर्टेंट हुई जिसमें मैंने स्टार मार्क कर रखा है ठीक है वो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आता है कि भाई वाइट कलर्स ब्रिलियंट कलर्स यूज़ किए गए थे जितने भी पेंटिंग्स जैसे कि रेड ऑरेंज येलो ब्लू ठीक है फिर आता है रागमाला पेंटिंग्स रागमाला पेंटिंग्स के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि भाई डिस्टिंक्ट फीचर्स वगैरह हैं वो यूज़ किए गए हैं राजस्थानी में पेंटिंग के अंदर जिसमें कि इंडिया रागा और रागिनी इनके बारे राग माला पेंटिंग्स रागा और रागिनी के बारे में दिखाया गया है ठीक फिर हम आते हैं हिल्स और माउंटेन्स जो है वो पर्जियन स्टाइल्स में दिखाए गए हैं फिगर्स को प्रॉपर ग्रुप्स के अंदर दिखाया गया है अगेन वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स बर्ड ऑर्नामेंटेशन ट्रीज वगैरह के अंदर काफी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं ठीक है फिर आते हैं मेल फिगर और फीमेल फिगर इसको मैंने इतना छोटा करके लिखा है आप लोगों के लिए कि आपको खाली अगर आप अप... इनमें इज एम आर लगा के लिख के आ जाओगे तो आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाएगा आपको नंबर भी मिलेंगे इसके ठीक ओके सो मेल फिगर्स आपको दिखाए गए हैं टर्बन पहने हुए हैं लूज गारमेंट है उनकी पताकाएँ हैं उसी के साथ साथ फीमेल फिगर्स जितनी भी थी उन्होंने स्लिम बिल्कुल स्लिम पतली दिखाई दिखाई गई थी टॉल लाइक क्रीपर दिखाई गई थी लंबी पतली दिखाई गई थी और जितनी भी उनकी ड्रेसेस थी वो स्कर्ट्स होती थी लंबी लंबी है ना स्कर्ट्स हो गई चोली और ट्रांसपेरेंट चुनरी कुछ भूल जाओ ठीक है कुछ भी भूल जाओ बट राजस्थानी स्कूल के अंदर ट्रांसपेरेंट चुनरी का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल मत भूलना चाह करके भी मत भूलना ठीक है क्योंकि हमें पता है कि भाई राधा बनी ठनी जो थी हमारी पेंटिंग उसके अंदर भी आपने नोटिस किया होगा कि भाई जो उनकी चुनरी है वो ट्रांसपेरेंट चुनरी का इफेक्ट ही सबसे बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ठीक फिर हम आते हैं बर्ड्स एंड आराम से सबको पहले ऑलरेडी बता दिया डेकोरेटिव स्टाइल्स में ट्रीज ऑर्नमेंटेड ऑर्नामेंटेड तरीके से दिखाते थे और फ्लावर्स को बंचेज में दिखाना हो गया और इसके साथ पूरी जो फिगर है उसको अलग अलग शेप से अलग अलग कलर से भर देते थे, थे ठीक तो आपको कोई चार याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें अब तो हम आते हैं हमारी मोस्ट पेंटिंग्स के ऊपर जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रही है सबसे पहले आते हैं हम लोग मारूरागी के ऊपर मारूरागी है क्या है साहिब्दीन साहिब्दीन क्या है आर्टिस्ट कब है भाई एटीनथ सेंचुरी में ही बनाई गई है मेवाड़ में इसमें की जो आपका जो किस स्टाइल से टेक्निक जो यूज़ की गई है वो आपका टेम्परा स्टाइल और कलर कौन सा है वाटर कलर ठीक है इसके साथ साथ हम लोग मारूराज में देख सकते हैं उनका राजस्थानी स्कूल का और कहाँ पे है भाई ये नीचे मैं लिख दिया आपका नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली तो एक ही स्लाइड के अंदर मतलब एक ही बोर्ड के अंदर मैंने सारे की सारी चीज़ें जो है वो मैंशन कर दी हैं

जिसमें हम लोग देख सकते हैं जो किंग है और क्वीन है उन्होंने प्रॉपर ऑर्नामेंटेशन पहन रखे हैं ज्वेलरीज हैं ड्रेसेस पहन रखी हैं और साथ ही साथ वो लोग कैमल के ऊपर सवारी कर रहे हैं हमेशा देखना आप कोई भी पेंटिंग स्कल्पचर कुछ भी याद कर रहे हो उसको याद करने से पहले डिस्क्रिप्शन उसका सब कुछ याद करने से पहले सबसे सब पहले आपको याद करनी है उसकी पेंटिंग की तस्वीर ठीक है सो अब हम आते हैं कि भाई वो प्रॉपर रामल को राइड कर रहे हैं इसके बाद जो किंग एंड क्वीन है उन्होंने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी हुई है ट्रांसपेरेंट ड्रेस कैसे चल रहा है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि उनकी जो चुनरी है चुनरी के पीछे से ढक तो नहीं कह ना उनका चुनरी के पीछे से दिखाई दे रहा उनका तो है उनका चेहरा तो ट्रांसपेरेंट कलर की उनकी ड्रेसेस हैं और क्या है ट्रांसपेरेंट ड्रेस खाली और खाली किंग और क्वीन नहीं नहीं जो कि स्कॉट है नीचे जो स्कॉट आगे चल रहे हैं फोरग्राउंड पे उन्होंने भी पहन रखी है ट्रांसपेरेंट ड्रेस दो स्कॉट्स हैं उसी के आगे एक हंडेड डॉग भी चल रहा है और जो आपके स्कॉट्स हैं ना उनके पास डैगर वोड्स टेक्स सारी की सारी चीज़ें भी हैं ठीक है और तो और जो ऊँट को भी जो है एक इंसान वो आगे खींच रहा है पकड़ करके खींच रहा है फिर आते हैं हम लोग स्काई जो है हम लोग पूरा देख सकते हैं डीप ब्लू कलर का स्काई है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि देवनागरी इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है बिल्कुल टॉप के ऊपर देवनागरी इंस्क्रिप्शन है ठीक है तो एक स्लाइड के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है विद द पिक्चर कि भाई पिक्चर के बिना कहीं आप भूल ना जाओ उस चीज़ को ठीक चलो भाई नेक्स्ट टाइम आते हैं आपके चौगान प्लेयर पे ओके आई नो ये पेंटिंग मैंने इसे उल्टी कर दी है द रीज़न इज ये पेंडेंट जो थी वो आपको ध्यान से खुली खुली दिखनी चाहिए ओके okay. सो so, चौगान प्लेयर पर आते हैं दाना दाना एज आर्टिस्ट का नाम एटीन टेन एटीन से एटी अट्ठारह सौ दस में बनाई गई है एफ फोटो और कहाँ पे बनाई गई है जोधपुर में टेम्परा स्टाइल की टेक्निक से और वाटर कलर ऑन पेपर ओपी मतलब ऑन पेपर है ठीक है ओपी का मतलब कहीं कुछ और मसंद मतलब मतलब आप लोग करेक्ट सो ओपी ऑन पेपर पर पे बनाई गई है इसी के साथ साथ तो राजस्थानी स्कूल और नेशनल स्कूल नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली में जो पेंटिंग है वो अभी भी मौजूद है ठीक अब आते हैं इस पेंटिंग को खाली आपको ध्यान से देखना जिसके अंदर आप देख सकते हो दो प्रिंसेस हैं चार मेड्स हैं और ये सब क्या कर रही हैं पोलो खेल रही हैं वो जो स्टिक है ना बलम्बी सी स्टिक उससे पोलो को ताकि जो बॉल है उसको टैकल करने की कोशिश कर रही हैं ठीक है तो जितनी भी प्रिंसेजेज है मेड्स है उनके बारे में क्या कहे भाई वो लॉन्ग पोल्स के साथ खेल रही हैं बॉल के साथ उसके बाद राजपूत कॉस्ट्यूम्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है राजपूत कॉस्ट्यूम्स उन्होंने पहनी हुई है उसके बाद मेड्स और प्रिंसेज हैं उन्होंने क्या कर रखा है उन्होंने राउंड उनका फोर है आइज जो है वो लंबी लंबी पतली पतली लंबी लंबी, लंबी आँखें हैं उनकी और जो स्कर्ट है वो ऐसे बेल लाइक फैली हुई है ठीक है बेल लाइगी उनकी फैली हुई जितनी भी स्कर्ट्स है और कहाँ पे भाई ये जो फीचर और मैंने आपको बताया ना अभी इतने सारे फीचर जो ऊपर से बताएं ये बूंदी और किशनगढ़ के फीचर्स हैं ठीक है इसके बाद आते हैं हम लोग हॉर्स जो है वो डिफरेंट अलग अलग हॉर्सेस कलर से कोई भी हॉर्स जो है वो एक कलर से नहीं दिखाया गया है जितने भी हॉर्स है वो अलग अलग कलर से दिखाए गए हैं दैट इज़ आपके जो दो ऊपर के हॉर्सेज हैं वो टूवर्ड्स ही चलते एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जो नीचे के जितने भी चार हॉर्सेज हैं वो सब दुखी हैं तो वो ऐसे एक दूसरे की तरफ उल्टा भाई हम तुमसे रुष्ट हैं तो वो ऐसे करके बैठे हुए हैं ठीक है इसी के बाद आते हैं की जो बुरी की बुरी पेंटिंग है वो आपका डायनामिक मूवमेंट स्टाइलाइज है भाई आर्टिस्ट की तारीफ करनी ही करनी जरूरी है तो अलग अलग तरीके से दिखाए गए हैं नीचे जो पूरा पूरा पेंटिंग है उसका जो बैकग्राउंड है वो फ्लैट ग्रीन बैकग्राउंड है ठीक ओके okay. फिर हम आते हैं आपका जो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट आपकी पेंटिंग है दैट इज़ आपकी राधा बनी ठनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स में से एक आती है जिसमें कि आपका निहाल चंद ने बनाई है 1760 सिक्सटी ए डी के अंदर किशनगढ़ के अंदर और तो वो टेम्परा वाटर कलर और पेपर से बनाई हुई पेंटिंग है अब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एज इट इज़ आपको लिख करके मतलब आना है कि भाई फेस जो है मतलब ऐसे अलग अलग करके नहीं एक ही राइम लिख करके आना कि जो फेस है वो एलोंगेटेड है लंबा फ़ेस है नोज और चेन इनकी पॉइंटेड है आईब्रोज बिल्कुल शार्प बनाई गई हैं लिप्स पतले बनाए गए हैं हेयर जो है, है वो करली हैं उनकी कमर तक आ रहे हैं ठीक है ठीके? राइट right हैंड में उन्होंने ऐसे चुनरी को पकड़ा हुआ है और तो उस पर चुनरी पे प्रॉपर गोल्डन मोटि बने हुए हैं और राइट हैंड हाँ, जो तो लेफ्ट हैंड है उसके अंदर हम लोग लोटस बर्ड जो आप स्क्रीन पे भी जूम करके देख देख सकते हो कि भाई तो लोटस बर्ड सिर्फ दो लोटस बर्ड उन्होंने पकड़े हुए हैं ठीक है और पूरे की पूरी उन्होंने रोज राजपूत की रोयालिटी को इस पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है किसने निहाल चंद ने ठीक ओके अब हम आते हैं कि भाई जो पूरी की पूरी पेंटिंग है पोइट्री और पेंटिंग का ब्लेंड है डीप ब्लू कलर पूरा पूरा बैकग्राउंड जो है वो बनाया गया है अब आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल बोर्ड तरीके से लिख रखा है मैंने ट्रांसपेरेंट चुनरी तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ठीक ओके okay, अब आते हैं कृष्णा स्विंग के ऊपर कृष्णा स्विंग जो है आपको सारे के सर में इसको रीड नहीं कर रहे बिकॉज़ वीडियो जो है वो बहुत लंबी होती चली जाएगी साथ साथ में ठीक है तो इसको किसने बनाया बस नुरुद्दीन ने बनाया बाकी सारी चीज़ें आप एज़ इट इज़ जो लिखी हुई है स्क्रीन पर वही लिख के आ जाओगे ठीक ओके इसको याद करने का तरीका बस यही होता है पेंटिंग्स को याद करने का तरीका कि आप पेंटिंग को सबसे पहले ध्यान से निहारोगे ठीक है तो जो ये बोलते हैं वर्टिकल कॉम्पोजिशन ऐसी लंबी सी कॉम्पोजिशन है इसी के साथ साथ कृष्णा जी एक साइड पर बैठी हुई है एक साइड पर राधा जी बैठी हुई हैं ठीक है जो कृष्णा है वो टॉप ऊपर लेफ्ट लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं हमें और राधा जी हैं जो अगेन वो राइट साइड में दिखाई दे सकती हैं हमें मेरा माध्यम है कि जो जो है राधा जी और कृष्ण जी हैं वो रॉयल प्लेस में एक रॉयल प्लेस है उसके ऊपर बैठे हुए हैं साथ ही साथ जो कृष्ण जी को उनको ब्लू कलर से और जितनी भी फीमेल फिगर्स हैं ये नहीं बोला कि आप सारी फीमेल फिगर राधा जी हैं पर जितनी भी फीमेल फिगर्स हैं उनको लाइट येलो कलर से दिखाया गया है ठीक फिर हम आते हैं वो जितनी भी आपकी राजपूत कॉस्ट्यूम्स है सब में राजपूत कॉस्ट्यूम्स बनाई गई है और बहुत ही पॉपुलर किंगडम बीकानेर में बहुत ही पॉपुलर किंग जब मैंने आपको मेन फीचर्स पढ़ा रही थी मैंने आपको तब भी बताया था कि भाई बीकानेर जो है वो बिल्कुल पॉपुलर किंगडम्स में से एक है ठीक है तो पॉपुलर किंगडम में बनाई गई है ये पेंटिंग आपकी फिर हम आते हैं लोअर सेक्शन में लोअर सेक्शन में जो नीचे का एरिया आपका ठीक है नीचे के एरिया में आप देख सकते हो तो जो कृष्ण जी हैं वो लेफ्ट साइड में बैठे हुए है हैं और जो राधा जी हैं वो राइट साइड में बैठी हुई है। हैं और इन दोनों के बीच में एक फ़ीमेल फिगर भी खड़ी हुई है क्योंकि बहुत ही लिरिकल मैनर में प्यारे अंदाज में कृष्ण जी को जो है वो अप्रोच करने की कोशिश कर रही हैं ठीक है तो विद दिस आपका ये वाला भी कंप्लीट हो जाता है बैकग्राउंड लाइट ब्लू कलर का है फोरग्राउंड में वो लाइट वॉशेज है ये नहीं ब्लैक क्या हो गए सो इट्स ओके बताऊट चिंता की बात नहीं है ठीक है ठीक है चिल पिल ओके फिर हम आते हैं भरत में च रामाय चित्रकूट पे तो अगेन किसने बनाई है गुमान जो है आर्टिस्ट उनके आर्टिस्ट हैं 740 और 750 के टाइम पीरियड के बीच में ये पेंटिंग को बनाया गया है हुँ? फिर हम आते हैं कि भाई जो पेंटिंग है ये कब कहाँ से बनाई गई है तो ये जो पेंटिंग है बुरी बुरी भरत मीच रामाय चित्रकूट ये आपका लिया गया है रामायण से रामायण बुक है वहाँ से इसको लिया गया है वहाँ से एक पेंटिंग उठाई गई है उसकी सीनरी को उठाया गया है ठीक है साथ ही साथ इसमें हम लोग देख सकते हैं जो रामायण है उनसे मिलने के लिए आए हैं भरत अपनी तीन माओं के साथ भरत अपनी तीन माओं के साथ और वशिष्ठा ये सब लोग हैं ये सब लोग मिलने आए हैं किससे राम जी से मिलने आए हैं ठीक है और साथ ही साथ अब तो मिलने क्यों आए हैं तो क्योंकि उनको बताना है कि जो दशरथ जी हैं उनकी डेथ हो गई है तो और जी के साथ साथ वो उनको राम जी को प्रसुवेट करने के लाए कि भाई अब चित्रकूट से अयोध्या जो है वापस चलो जब वो वनवास पे आ गए थे ना तो वनवास से वापस चलो ठीक ओके okay. फिर हम आते हैं कि जितनी भी कितनी टोटल टोटल अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं बैठोगे एक एक करके तो फोर्टी नाइन फिगर्स हैं जितनी भी फीमेल फिगर्स हैं वो वाइट साड़ी में है फिर आते हैं हम कॉम्पोजिशन में मैंने कॉम्पोजिशन को आपको तीन कॉलम्स में करके दिखाया है कि वो जो राइट लोअर कॉर्नर पर आप देख सकते हो वहाँ पर आपको वशिष्ठ जी जो है राम जी जो है वो सुन रहे हैं क्योंकि वशिष्ठ जी जो है वो बता रहे हैं राम जी को उनके फादर के डेथ के बारे में बिल में उन लोग देख सकते हैं राम जी और सीता जी जो है प्लस लक्ष्मण जी हैं वो राम जी के मदर से मिल रहे हैं और साथ ही साथ अनदर फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि जो दो मदर्स हैं सुमित्रा और कई जो हैं वो उनको ग्रीटिंग कर रहे हैं कौन राम जी ठीक फिर तो आते हैं पूरा जो पूरा सीन है वो जंगल और हाउस का पूरा का पूरा सीन दिखाया गया है ओके सो फाइनल हम है पहाड़ी स्कूल ऑफ नेचर पेंटिंग के ऊपर दट इसका ओरिजिनल डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है भाई सेवनटीन या नाइन्टीन सेंचुरी के टाइम पे इसका ओरिजिन हुआ इसका डेवलपमेंट हुआ और तो और कहाँ कहाँ पे हुआ भाई जम्मू कश्मीर में हो गया उसके बाद आपके हिली स्टेशन जितने भी हैं आपके वहाँ पर हुआ है जम्मू कश्मीर हो गया पंजाब हो गया फिर हिमाचल प्रदेश हो गया तो इन इन जगहों पर इसके जितने भी आपके जो पहाड़ी स्कूल ऑफ नेचर पेंटिंग है उसका डेवलपमेंट हुआ है फिर आते हैं हम भाई जो बिगनिंग है स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि जितने भी आपके पहाड़ स्कूल ऑफ मीनेचर पेंटिंग बट्रूवमेंट हुई, हुई फो कार्ट इसमें हुआ और पूरी की पूरी जिसको हम लोग जानते हैं पी एस एम पी पहाड़ स्कूल ऑफ मिनेचर पेंटिंग के नाम से ठीक है और तो इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था भाई गुलेर कांगड़ा स्टाइल से इसका ओरिजिन हुआ था बस इतना लिखना काफी है से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है और रिफाइनमेंट हुई थी इसकी भाई कैसे भाई जितने भी आर्टिस्ट थे वो बहुत ही फ्ली बनाने लग गए थे गुलेड के अंदर जा कर के पेंटिंग सब स्कूल के ऊपर तो सब स्कूल में भी देख सकते हैं भाई कहाँ कहाँ पर इसके मेन सेंटर्स से। इस है दैट इज़ आपका उसका बसोली में है कांगड़ा कुल्लू मंडी गढ़वाल इन सब जगहों पे है और साथ ही साथ जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पर न्यू आर्ट क्रिएट हुए थे वह आपका लोकल फोक आर्ट से क्लासिकल राजस्थान में मुग़ल में नीचे पेंटिंग्स यहाँ पे जितने भी आपके आर्ट थे वो उसे बनाए गए थे ठीक है उसके बाद आर्टिस्ट जो थे यहाँ पे आपको बताना है कि आर्टिस्ट ने बिल्कुल बहुत ही अच्छे से फ्रीडम उनकी एंजॉय की है सारी सादी आज़ादी जो थी ना वो उन्हें ही मिल गई ठीक है सो so, भाई उन्होंने प्रॉपरली फ्रीली उन्होंने चूज़ किया अपने सब्जेक्ट्स को इन्जॉय किया फ्रीडम को अपने फिर वंडरफुल नेचुरल ब्यूटीज को दिखाया अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया और जितने भी आर्टिस्ट थे उनको कोई भी फोर्स नहीं था किसी भी चीज़ का ठीक है सो so, अब हम तक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सब्जेक्ट मैटर में हम लोग देख सकते हैं जितना भी मेन फोकस है वो आपका हुआ था नेचुरल ब्यूटी पे प्लेजेंट वेदर पे फीमेल की फिगर्स वगैरह पे ब्यूटिफाई पे इन सब चीज़ों पे और तो और जो जितनी भी पोएट्री वगैरह हैं वो कैसे कैसे सूरदास तुलसीदास केशव देखो ये सब क्या है ये सब सूरदास तुलसीदास केशव ने क्या बताया इसमें इसका मतलब है कि इनकी जो इतनी भी न, जितनी भी पोइट्रीज थी ना उनसे उठाए गए थे जितने भी आपके आर्ट थे उस टाइम के उनको ठीक so, है सो ये वही चीज़ें हैं फिर आते हैं फेमस पेंटिंग्स जो है हम की बनाई गई थी वो थी आपकी रागमाला पेंटिंग्स गीत गोविंदा उसके बाद नायक नायिका भेद ये सारी चीज़ें और तो और इसी के साथ साथ प्लस रिलीजियस थीम्स भी जिसमें कि हीरो लिया जाता था, था कृष्ण जी को और हीरोइन लिया जाता था राधा जी को मैं आपको ऑलरेडी पहले, पहले बता था राजस्थानी स्कूल ऑफ मनीचर पेंटिंग के अंदर ठीक है फिर हम आते हैं इसके मेन फीचर्स पर टोटल मैंने छः लिखे हैं स्क्रीन पर आप कोई भी आपको जो तीन से चार याद रहे इट्स मोर देन रफ इम्पोर्टेंट फीचर अगेन वही बात है भाई नेचुरल ब्यूटी और प्रेजेंट वेदर को दिखाना और तो और जितनी भी जो पेंटिंग्स बनती थी वो रिलीजियस पेंटिंग्स पे रिलीजियस मैटर पे और रोमांटिक थीम्स पे बना चाहती थी बहुत ही ब्यूटिफुल तरीके से ठीक है आप ये हाँ भी देख सकते हो कि इसके अंदर कि हाँ भाई हीरो ही जो है वो हम कृष्ण जी को और हीरोइन राधा जी को दिखाते थे ठीक फिर जितने भी फीमेल फिगर्स होते थे उनको बहुत ही आइडियल ब्यूटी के तौर पे दिखाया जाता था ओवल उनका ओवल कलर का शेप बन ओवल से शेप बनाया जाता था और तो और लोटस लाइक की उनकी आई लोटस जैसे बनाई जाती थी लॉन्ग लहंगा और ट्रांसपेरेंट चुनरी ये सब चीज़ें दिखाई जाती थी मेन जितने भी थे उनको टाइट पजामा शॉर्ट कुर्ता उसमें दिखाया जाता था आ, जितनी भी पेंटिंग्स होती थी वो होती थी आपकी हिंदू के रिलीजन पे बेस्ड ठीक है यहाँ पे हमेशा बात याद रखना डेक्कन स्कूल में जब जाओगे वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी सारी की सारी चीज़ें रामायण महाभारत राधा कृष्ण जी से ऊपर बनाई हुई बट पहाड़ी स्कूल ऑफ़ नीचे पेंटिंग में है ये चीज़ ठीक है तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना इस चीज़ को हमेशा और तो और इसी के साथ साथ पेंट जो थी उसमें प्रॉपर क्लैरिटी ऑफ डिज़ाइंस होती थी लाइंस होते थे एंड प्रेजेंट वेदर कलर्स गोल्डन ब्राइट कलर्स दिखाए जाते थे फिर हम आते हैं कृष्णा विद गोपीज़ के ऊपर ठीक है सो so, कृष्णा विद गोपीज में देख सकते हैं कि भाई मनकू ने बनाई थी इनको मनकू आर्टिस्ट से उन्होंने बनाई थी और तो और कहाँ पर भाई बसोली में सेवनटीन के टाइम पीरियड पर ए डी नहीं आता था नहीं लिखना है तो इट्स अप टू तो यू कोई बड़ी बात नहीं होगी ठीक है इसका बहुत ही छोटा सा है आपका डिस्क्रिप्शन दैट इज भाई कि गीत गोविंद से इसको उठाया गया है जो पेंटिंग वहाँ से ली गई है इस पेंटिंग को और तो और एज इट इज़ जो आपको दिख रहा है ना कॉलम में आपको वही लिख करके आना है कि भाई कृष्ण जी जो हैं वो ब्लू लाइम ब्लू कलर से दिखाए गए हैं और तो और उनके जो आइज हैं वो ऐसे लोटस पेटल्स लाइक आइज हैं येलो कलर के उनकी धोती है और साथ ही साथ लॉन्ग गार्लैंड है उनके लेक में गार्लेंड है वो फूलों की माला ठीक है तो वो लॉन्ग गारलेंड है उनके ऐसे नेक पे साथ साथ जितनी भी गोपीज है एट एट माने आठ गोपीज हैं और इसी के साथ साथ मल्टी कलर ट्रांसपेरेंट ड्रेस भी जो है वो बनाई गई है उसके बाद हम लोग आईज जो हैं वो लोटस पेटल लाइक उनकी आईज बनाई गई हैं और जितने भी जो गोपीज़ हैं वो क्या करती हैं कृष्ण जी को हमेशा घेर लेती हैं तो उन्होंने भी वही काम किया प्रॉपर उन्होंने कृष्ण जी को हर जगह से घेर लिया है ठीक है ये में से याद रखना कि पहाड़ी स्कूल ऑफ मेचर पेंटिंग आप से आपसे भले ही वो ना पूछे कि भाई हमें बताओ भाई इसका औरिजिनल डेवलपमेंट बट दोनों में से वो एक पेंटिंग आने के चांसेज़ होते हैं ठीक है हमेशा इस वक्त को याद रखना तो कुछ अगर वो ऊपर का नहीं भी याद करते हो उसमें तो एटलीस्ट से एटलीस्ट दो पेंटिंग्स जो हैं कृष्णा विद गोपीज और साथ ही साथ इसमें आपको जो नेक्स्ट पेंटिंग आएगी है आपकी नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन इन दोनों को याद करनी ही करनी है ठीक है ऊपर का भले हाथ मत छोड़ दो बट इंद्र को याद करना ही करना ओके फिर हम आते हैं अलग अलग पोस्टर्स में कोई भी जो पेंटिंग है जितनी भी है हाँ बना रखी है इन्होंने गोपीज बना रखी है एक्चुअली में वो अलग अलग पोस्टर्स में खड़ी हैं ठीक तो है, है, तो है और तो और सबके जैसे बिल्कुल खुशी खुशी है स्माइल है कृष्ण जी के पास है तो खुशी खुशी स्माइल है और तो और सब ने ही बिल्कुल ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं गोपियाँ हैं तो ऑर्नामेंट्स वगैरह सबने झुमके ज्वेलरीज वगैरह सब ने डाल रखे हैं ठीक है जो हम लोग देख सकते हैं ऊपर के इंच पे थोड़ा सा इतने, इतने से इंच पे ऊपर देख रहे हैं भाई स्काई भी है एक इंच का स्काई है और तो हॉट ट्रीज बना रखे हैं डेकोरेटेड तरीके से दिखा रखे हैं और पूरी की पूरी पेंटिंग को यहाँ पे तो खैर कट गई है कोई बात नहीं बट पूरी की पूरी पेंटिंग को इन्होंने रेड बॉर्डर दिया हुआ है ठीक ओके नेक्स्ट हम आते हैं आपके पार्ट स्कूल में नीचे पेंटिंग का एंड वाला पार्ट कि भाई नंद एंड कृष्णा विद किंग्स मैन गोइंग टू वृंदावन ये जो इसका नाम है ना यही नाम आपका मोर देन इनफ आपको पूरी पेंटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है ये बहुत इजी वाली पेंटिंग है मतलब इसको मैं खाली आपको खाली ध्यान देने की क्या क्या, क्या, क्या चीज़ें बनी हुई है पेंटिंग में ठीक ओके सबसे पहले तो बनाई किसी है भाई नैन सुख है ओके सो कब कब की है ये पेंटिंग 1780 की है कांगड़ा के टाइम कांगड़ा जो आपका सब स्कूल था वहाँ पे बनाई गई है ये पेंटिंग ठीक है चलो भाई फिर हम आते हैं आपका कि भाई क्या है इस पेंटिंग के अंदर ठीक है तो ये पेंटिंग है आपके अगेन आपको भगवत पुराण से लिया गया है इस पेंटिंग को और तो और इसी के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि भाई इस पेंटिंग के तो बहुत ही नेचुरल तरीके से दिखाया गया है बहुत सारी ह्यूमन फिगर्स है बिल्कुल इसे हॉट वाली पेंटिंग है तो बहुत सारी ह्यूमन फिगर्स है कैटल्स हैं इसके अंदर वो दिखाई दे रहे हैं और जितनी भी चीज़ें दिखाई गई कि हमें बहुत सारी चीज़ दिखाने तो बिल्कुल छोटी 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 चीज़ों को दिखाया गया है बहुत बहुत ज़्यादा क्राउडेड है ये बहुत सारी चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गए हैं पूरा का पूरा एरिया फिर हम आते हैं मुगल का इन्फ्लुएंस यस क्लियरली विजिबल है भाई तो ठीक तो है, है तो बहुत ही डेलीकेट लाइन्स बनाई गई है पतली पतली चीज़ें दिखाना डेलीकेट लाइन्स है ब्राइट कलर्स हैं बहुत ही प्रीशियस ड्राइंग है ठीक है तो किसकी ड्राइंग है भाई कृष्ण जी की ड्राॅइंग है तो बहुत ही प्रीशियस ड्राॅइंग है ठीक फिर हम आते हैं बुलक कार्ड सकते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना भाई इसको लिख के आना भूलना मत है कि जो बुलक कार्ड है उस उसपे भाई वृंदावन जा रहे हैं सारे के सारे लोग और इसी के साथ साथ अदर अदर बहुत सारे लोग भी उसके साथ साथ नंदराज भी हैं आगे वाले उसमें जो रेड कलर का आपको वो दिखाई दे रहा है कार्ड और पीछे वाले में कौन है यशोदा जी हैं ठीक है कृष्ण जी और यशोदा जी हैं वो पीछे वाले में है ठीक फिर हम आते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच कलर्स कूल कलर्स यूज किए गए हैं ग्रीन ब्लू ये सारी चीज़ें और उसको को ब्लग कार्स को अलग अलग फिगर्स को इस पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है हुँ? ओके विद दिस एक्ट ये वाला यूनिट पर कम्प्लीट हो गया ये वाला फर्स्ट यूनिट कम्प्लीट हो गया हम सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं इज तो मुगल स्कूल ऑफ़ मिनेचर पेंट और ऐसे नेक्स्ट हम लोग आते हैं मुगल स्कूल पे इसके ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट पे सबसे पहले आते हैं भाई कि ये कैसे बना है ठीक है जो तो आपको राजस्थान में पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनेचर पेंटिंग निकल गया उसके बाद हम लोग आते हैं मुगल स्कूल पर तो आता है आपको राजस्थान में पहाड़ी स्कूल के स्टाइल से ही आपको मुगल स्कूल ऑफ मिनेचर पेंटिंग जो है वो निकला है इसी के साथ साथ इंडियन स्टाइल तो था ही था इसमें ठीक है और और तो और जितनी भी ऑर्नामेंटेशंस होती थी बॉर्डर्स वगैरह होते थे वो होते थे आपके पर्जियन स्टाइल से लिए हुए ठीक है फिर हम आते हैं जितने भी ओरिजिन वगैरह हैं वो सारे के सारे तुर्को मंगोलियन जितना भी आपको जो पेंटिंग हुआ है मुगल फिगनीचर पेंटिंग का उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था तुर्को मंगोलियन के टाइम से इसका ओरिजिन हुआ था ठीक है अब आते हैं भज दैट इज़ बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब इनके टाइम्स पे जो है वो अलग अलग, अलग आपका टाइम पीरियड है और इसके टाइम पे ही फिर आपके जितने भी आर्टिस्ट हैं आर्ट है वो उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चले गए ठीक है ओके अब ये जो प्रॉपर भदशा है मैं आपको वही बताया आपको इस वीडियो में क्योंकि वन शॉट है तो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी ऑलरेडी अभी तीस मिनट तक की आपकी वीडियो हो गई है ये ठीक है तो आपको उसको चेक करने के लिए आपको मैंने वही बोला कि आपको वन शॉट चेक करके आना जरूरी है आपके लिए ठीक है तो भदजशा से आपका ये निकल करके आता है फिर आते हैं हम उसके सीधे मेन फीचर्स पे मेन फीचर्स क्या है ये भाई जितने भी आपकी ये मुगल स्कूल ऑफ नीचे पेंटिंग बनाई जाती थी वो बहुत ही ज़्यादा पोजन कैलीग्राफी में और बहुत ही ज़्यादा विविडली अलग अलग हर एक जितनी भी पेंटिंग्स थी ना उन में हम लोग ये चीज़ें नोटिस कर ही सकते थे जैसे कि फैलकॉन ऑन बर्ड रेस्ट ठीक है ये जो पेंटिंग है ये इंपॉर्टेंट पेंटिंग में से एक है तो इसके अंदर भी आपने याद होगा आपको कि जब मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था इसके अंदर तीन बार तीन बार अलग अलग तरीके से लिखा हुआ था बहरी हो गया फिर तो आतने सा जहांगीर पट सोहा उत्तम सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई थी ठीक है सब अब उस टाइम पे पर्जियन कैलीग्राफी जो है बहुत ज्यादा उस टाइम विविडली रिटर्न थी जितनी भी पेंटिंग्स होती थी पोर्ट्रेट होती थी उनके अंदर और तो और पोर्ट्रेट पेंटिंग्स हो गई इंडिविजुअल की पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बनाना ग्रुप्स की बनाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी इम्पोर्टेंट इंप, इंप, फीचर्स क्या होता था कि भाई जितने भी पेंटिंग्स बनती थी मोस्टली जैसे कि आपका हो गया मैरिज प्रोटेक्शन ऑफ दारा सिख हो ठीक है उसकी सब क्या थी सब क्राउडेड सीन्स दिखाना बहुत ज़्यादा उसमें प्रोमिनेंट था अब बहुत सारी फिगर्स पे मैनीफॉर्म्स अलग अलग फिगर्स जैसे कि उसमें हाथी बनाए गए थे घोड़े बनाए गए थे फायर वर्कस दिखाया गया था तो ये सारी के सारी चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा ही होती थी उस टाइम के पेंटिंग्स में ये सब मेन फीचर्स है मैंने आपको वही बताया था स्टार्टिंग में राजस्थानी स्कूल ऑफ मेचर पेंटिंग के अंदर लाइट गई अगर जो हम इस कहते हैं थर्ड था इंपॉर्टेंट फीचर पर दैट इज़ इसका कि भाई जितने भी आपके सीन्स बनते थे उस टाइम पे वो सारे के सारे क्राउडेड सीन बनाते थे ये लोग ठीक है और बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होते थे फिगर्स होते थे फिर हम आते हैं फोर्थ कि जितने भी उस टाइम के आपकी पेंटिंग्स बनती थी उसके अंदर गोल्डन कलर सिल्वर कलर ये सारी चीज़ें मिला करके जो कलर्स वगैरह थे वो बनाई जाती थी फिर आते हैं मेल डोमिनंस जितनी भी उस टाइम की आपकी पेंटिंग्स थी उस पर मेल डोमिनेंस दिखाना बहुत ज़्यादा ही उस टाइम पर प्रोमिनेंट एक चीज़ होती थी फिर इसी के साथ साथ आपके जितनी भी पेंटिंग्स थी जितनी भी पेंटिंग्स थी मोस्टली इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है आपका भाई क्या आपका कबीर एंड रायदास ठीक है वैसे तो आपका कृष्णा लिफ्टी माउंट गोवर्धन भी है बट अगर मुझसे कोई पूछे मैं अगर इसका आंसर करूंगी तो भैया मैं करूँगी कबीर एंड रायदास ठीक है मैं से किसी ने पूछ लिया कि भाई बताओ मुझे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सी पेंटिंग है जो इसमें आपको सेकुलर नेचर जो है वो मुगल्स का दिखाई दे रहा है तो, तो दैट इज एंड राय दास अगर वो ऑप्शन में नहीं है अगर वो इन केस नहीं है तो आप कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन पर टिक कर सकते हो वरना से वरना आपको खाली खाली टिक करना है किस पे कबीरन रायदास पे ठीक चलो भाई अब हम इसके आते हैं फर्स्ट पेंटिंग में दैट इज़ फालकॉन ऑन बोर्ड रेस्ट ठीक है उस्ताद मंसूर ने बनाई गई है 1615 में बनाई है जहांगीर स्कूल के अंदर बाकी अगेन वो टेम्परा स्टाइल वाटर कलर में है और इसका कहाँ है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ही है इससे भाई मान सिंह में पहले होगा या फिर पता नहीं कब होगा मुझे नहीं पता बट मैंने जब एन सी आर टी आपकी खोल के देखी उसके बाद मैंने इंटरनेट पे भी चेक किया तो उसमें नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली ही लिखा हुआ आ रहा था ठीक है एंड यू नो वर्ट की एन में भी कुछ टाइम पहले इनफैक्ट ना वो सवाई मान सिंह था ना ही वो नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली था पता नहीं कहीं और यू एस ए का ही उन्होंने एड्रेस दे रखा था उसमें ठीक है तो वेल well, आपको जो अब लिख के आना है दैट इज़ आपका नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली ठीक है ओके भाई हम इसको शुरू करते हैं फर्स्ट क्या है भाई जो जहांगीर थे ना वो बहुत ज़्यादा ही कीन फल कोर्नर थे फेलकॉनर मतलब जिनको ये बाज वग़ैरह बहुत ज़्यादा ही पसंद होते हैं उनको बोलते हैं कीन फेलकॉनर थे तो वो अलग अलग टाइम से जो स्पेसिमेंट्स वगैरह होते हैं स्पेसिमेंट मतलब जो प्रॉपर जीतते जागते आपके जो फेलकॉन है ना वो सब मंगाते रहते थे उनको उनकी ड्राॅइंगस वगैरह बहुत ज़्यादा ही पसंद थी ठीक है तो भाई एक एम्प्रर थे पोर्जिया के जिनका नाम था शाह अब्बास ठीक है मैं आपको पेंटिंग थोड़ी डिटेल में पढ़ा रही बिकॉज़ ये जितनी भी पेंटिंग है इस चैप्टर के अंदर वो आपको बाय हार्ट याद कर लेनी है बिकॉज सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है फेलकॉन ऑन बर्ड ड्रेस तो है बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है तो भाई उसके एक एम्पर थे हमारे शाह अब्बास ठीक है वो पर्जे के एम्पर थे उन्होंने ना जाकर के जहांगीर को ये फेलकॉन जीता जाता फेलकॉन गिफ्ट कर दिया लेकिन बिल्ली को वो बात रास नहीं आई तो बिल्ली ना करके उस फेलकॉन को मार डाला ठीक है तो भाई जो, जो हमारे जहांगीर थे वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए दुखी हो गए कि ओहो हो मेरे फैलकोन को मेरे बाँस को इन्होंने मार डाला तो भाई उन्होंने क्या बोला उन्होंने उस्ताद मंसूर को बोला कि भाई जो ये मेरा जो फैलकोन मर गया ना इसके ऊपर पेंटिंग बनाओ और इसको जहांगीर नामा के अंदर प्रिजर्व करके रख दो ठीक है तो वही काम उन्होंने किया उन्होंने जो पेंटिंग है ये पेंटिंग बना दी और आपको पढ़नी पड़ रही है ठीक चलो भाई तो पेंटिंग थी वो जहांगीर नामा इसको बना दिया गया और तो और पेंटिंग के अंदर क्या दिखाया गया भाई प्रॉपर रियलिज्म रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया कि भाई जब वो जहांगीर जो है जब वो उस तस्वीर को देखें तो उनको पता चल जाए कि हाँ ये मेरा ही फैलकॉन था ठीक है और तो वह बिल्कुल शार्प आइज़ दिखाई गई राउंड शार्प आइज़ बीक्स हो गए दिखाई गई राउंड आइज़ दिखाई गई फिर जाते हैं फोल्डेड जो विंग्स होते थे ना चील के वैसे ही फोल्डेड विंग दिखाए गए और तो और कौन कौन सा कलर्स का यूज किया गया वाइट ब्राउन एंड येलो ऑर्क इन कलर्स का यूज किया गया अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर के ऊपर इसके दैट इज की जो पूरी की पूरी आपकी पेंटिंग है इसमें तीन वर्ड्स मैंशनड हैं सबसे ऊपर जा सकते हैं हम लोग देख सकते हैं जहांगीर पट स्वाहा फिर आते हैं हम लोग नियर फेलकॉन फेलकॉन के बिल्कुल बगल में आप देख सकते हो तो उसके ऐसे पेट के पास है ठीक है क्या लिखा हुआ है भाई बिट के बस उसने लिखा हुआ है बाहरी बहरी माने फेलकॉन फेलकॉन उसका लिख रखा है नियर फेलकॉन के बिल्कुल पेट के पास और उत्तम बिल्कुल नीचे आप उसके एंड में देख सकते हो बॉटम पे बहरी सॉरी उत्तम वर्ड उत्तम वर्ड का मतलब होता है एक्सेलेंट ठीक है तो ये आपका था प्रॉपर आपका फेलकॉन ऑन बॉर्ड रेस्ट के बारे में सब so, अब हम आते हैं कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन पर तो ने बनाई है फिफ्टीन एटी से नाइनटीन के बीच में अकबर स्कूल के अंदर ठीक है ओके okay, सो so ये कहाँ से ली गई है भगवत पुराण से ली गई है जिसमें वो देख सकते हैं ये वर्टिकल पेंटिंग है आपकी और रखे हैं इसमें देख क्या रहे हैं हम लोग कृष्ण जी जो है ना माउंट गोवर्धन को अपने से हाथ पे उठा रखा है उन्होंने ठीक है इसी के साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल यूज बड़ा सा माउंटेन है रॉकी माउंटेन बनाया हुआ है और तौर से बहुत सारा फ्लोरा है फोना है इसी के साथ साथ जो डियर ट्रीज ग्रासेस बहुत सारे अलग अलग जानवर हैं पेड़ पौधे भी हैं हम इस पेंटिंग के ऊपर देख सकते हैं ठीक है साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि इसी के जस्ट नीचे जो फोक्स हैं ब्रिजवासी जो हैं ब्रिजवासी है ना ब्रि� ब्रिज उनके कैटल वगैरह ये सब नीचे खड़े हुए हैं ये सब हो होकर रहा था भाई मैंने आपको पेंटिंग जब स्टार्ट कराई थी मैंने जब भी मैं आपको बताया था वन शॉट रिविजन वीडियोज़ के अंदर कि जो वर्षा जी जो जो वर्षा कराते हैं ना इंद्रते वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही वर्षा करा दी थी कि भाई पूरा का पूरा जो एरिया है ना ब्रिज एरिया वहाँ से जहाँ पे रहते थे, थे वृंदावन वहाँ पे बाढ़ आ जाए ठीक है तो कृष्ण जी ने क्या किया उन्होंने अपनी एक उंगली पे ही पूरे पूरा जो पर्वत था उसको उठा लिया गोवर्धन पर्वत को उठा लिया जिसके अंदर शायरे के सारे ब्रजवासी आ गए थे ठीक है तो वो ही इस पेंटिंग को दिखाया गया इसलिए इसको भगवत पुराण से उठाया गया इसका मेन थीम वहीं से लिया गया है ठीक फिर हम आते हैं जो कृष्ण जी हैं वो माउंट गोवर्धन को उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड के ऊपर उठाया हुआ है और तो और ब्लू पूरा का पूरा डोमिनेंट कलर है इस पूरी के पूरी आपको जो पेंटिंग है उसके अंदर का कृष्ण जी बिल्कुल लार्ज साइज में पीताम्बर पीताम्बर इस पीले पीले वस्त्र ठीक है पीताम्बर में उनको दिखा रखा है और तो बिल्कुल इसे लॉन्ग सी गार्लेंड है उनके नेक पे और सतत जिसपे वाइट फ्लावर्स हैं वो ऐसे ट्राइप बैंड ट्राइपेंड पोजिशन हल्का सा टेढ़े पोजिशन को बोलते हैं ट्राइप बैंड पोजिशन उस पे खड़े हुए हैं और तो और बिल्कुल ऐसे यूज माउंटेन को इतने आराम से उठा रखा है उन्होंने कि बस पूछो मत ठीक है तो ये था इस पेंटिंग के अंदर फिर हम आते हैं कबीरन रायदास के ऊपर कबीरन रायदास रायदासकी याद रखना यही वो पेंटिंग है जिसपे सेकुलर एटीट्यूड हम लोग अपने बिल्कुल आंखों से ध्यान से देख सकते हैं ठीक ओके इसको किसने बनाया उस्ताद फकीरल्ला खान ने बनाए हैं एटीन से एटीन के बीच में कैन और शाहजहां स्कूल के टाइम पीरियड पर इसको बनाया गया बाकी सारी चीजें एज इट इज सेम है फिर हम आते हैं कि भाई इसमें दिख क्या आ रहा है इसमें हमें दो प्रोमिनेंट सिख दिखाई दे रहे हैं कबीर और रायदास ये दो प्रोमिनेंट आपके सेंट्स हैं तो ये आपको दिख रहे हैं उस पेंटिंग के अंदर फिर हम देखते हैं कबीर जी, जी जो हैं वो अपने हट के बिल्कुल ऐसे आगे बैठे हुए हैं ठीक है और तो क्या कर रहे हैं वो ऐसे वो जो लूम है उसको वीव कर रहे हैं साथ ही साथ उनके जस्ट साइड में बैठे हुए हैं कौन रायदास जी जो कि क्या कर रहे हैं भाई उनके साथ बिल्कुल ऐसे पास बैठे हुए हैं और ये दोनों के दोनों डिस्कशन कर रहे हैं किसी स्पिरिचुअल टॉपिक के ऊपर कैसे पता चला क्योंकि दोनों सेंट्स हैं ठीक है अब इस पेंटिंग के अंदर जैसे मैं अभी बिना देखे जो मुझे चीज़ें याद आ रही हैं कि भाई ये पूरा पूरा आपका ब्राउन सा बैकग्राउंड है ठीक है इसी के साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि भाई बिल्कुल आराम से अपने काम को वर्क एंड डिस्कशन वो हैंड इन हैंड चल रहा है ठीक है जो पूरी की पूरी पेंटिंग में बिल्कुल ब्राउन कलर के शेड्स दिखाई गई हैं इसी के साथ साथ हम लोग सेकुलर एटीट्यूड भी देख ही रहे इसमें मुगल्स का और तो और प्रॉपर ब्लू बॉर्डर्स है आप चारों की तरफ जो पेंटिंग है हर तरफ देख रहे हो वो ब्लू बॉर्डर्स हैं ठीक फिर हम देख रहे हैं मैं आपको ऑर्डर बता दिया इंडियन विलेजेस का जो है ब्राउन कलर है तो प्रॉपर इंडियन विलेजेस को इसमें दिखाया गया है हट वगैरह दिखाना ट्रीज वगैरह दिखाना ठीक है तो सब चीज़ें क्या है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सिंपल वे में सारी बिल्डिंग बिल्कुल चीज़ों को दिखाया गया जितना ही नेचुरल तरीका है इंडियन विलेज को दिखाना ये सारी चीज़ें हम इस पेंटिंग के अंदर देख सकते हैं ओके ओके आपकी फिर ये पेंटिंग ख़त्म हो गई दैट्स इट फिर हम आते हैं आपके फाइनली इस चैप्टर की लास्ट पेंटिंग के ऊपर दैट इज मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिखो ये जितनी आपकी वास्ट पेंटिंग है उतना ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बता सकूँ ठीक है सो अब कैसने ये हजी मदरी ने बनाई है 1750 में अवध स्कूल अवध प्रोवेंसल मुग़ल अवध स्कूल के अंदर ये जो पेंटिंग है आपकी वो बनाई गई है ओके अभी कहाँ पे है अभी है, है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर ओके okay. इसके अंदर हम लोग देख क्या रहे हैं देखिए प्रॉपर बिल्कुल मास्टर पीस है मैग्निफिसेंट पेंटिंग बनाई गई है शाहजहाँ के एल्डर बेटे की शादी हो रही है दारा सिखों की ठीक है और क्या हो रहा है भाई जो दारा सिखों हैं वो आगे आगे चल रहे हैं उनके पीछे पीछे जो है वो शाहजहान भी आ रहे हैं क्योंकि सबसे आगे तो दूल्हा ही चलता है ना ठीक है तो वो सबसे आगे चल रहे हैं उनके पीछे दारा सिखो आ रहे हैं शाहजहाँ भी आ रहे हैं ठीक है ठेके? और दारा सिखों की एक बहन भी है फिर हम आते हैं जहानाहरा बेगम ठीक है फिर हम आते हैं कि भाई जितने भी जो पूरा का पूरा आपको जो पेंटिंग वो दिखा के आ रहा है कि भाई शादी हो रही है प्रोसेशन हो रहा है मार्ज प्रोसेशन हो रहा है इसके साथ साथ तीन अटेंडेंट है आपको पिक्चर को जूम करके देखना होगा इसमें ठीक है तीन अटेंडेंट हैं दैट इज़ आपको बियरिंग कैंडल एक के हाथ में कैंडल है एक के हाथ में आपका हॉर्स को जिसने हॉर्स को पकड़ रखा और एक के हाथ में फ्लाइंग विस्क है जो कभी भी ऐसे छूट सकता है ठीक है फिर आते हैं एक साइड बराती है एक साइड चराती हैं जितनी भी पेंटिंग्स जितनी भी आपके यहाँ पे जो फिगर्स है सब ने बिल्कुल ऑर्नमेंटेशन पहन रखी है ड्रेसेस उनकी पीछे फायरवर्क्स चल रहे हैं हाथी है हाथी घोड़ा सब है हाती उसके अंदर ठीक है शादी कैसी होती है आप खुद एक शादी सोच के देखोगे तो आपको जो जो चीज़ें याद आ रही हैं उनने सब कलर कलरफुल क्लोथ्स पहन रखे हैं गोल्डन टर्कोइज़ ब्लू ब्लैक से बॉर्डरिंग वगैरह है उनकी रेड येलो सारी चीज़ उन्होंने पहन रखी हैं ठीक है इसी के साथ साथ हम लोग देख सकते हैं अलग अलग कलरफुल क्लोथ्स है रिसीव कर रहे हैं जो शरारती हैं वो बराती को रिसीव करने जा रहे हैं ठीक है मैंने उनको पहले ही बताई थी ये बात ठीक है इसी के साथ साथ जो दारा सिक्को है वो उनकी शादी कैसे हो रही है नदीरा बेगम से सिक्सटीन थर्टी थ्री में हुई उनकी शादी हुई थी लेकिन ये पेंटिंग उसकी कुछ टाइम बाद बनाई गई है ठीक है तो कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में ठीक है ऑफ कोर्स ओके सो उसके बताते हैं लॉर्ज गैदरिंग है बारात राइडिंग हॉर्स बताए थे मैंने फायर वर्कस हो रहे हैं वाइट रेड ग्रीन गोल्डन ब्राउन ब्लैक ये सारे कलर्स जो है वो इसके अंदर यूज किए गए हैं तो जो जो मुझे पेंटिंग में खाली जो इसकी तस्वीर है ये देख करके जो जो मुझे याद आ रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं इस पूरी की पूरी पेंटिंग के अंदर ठीक है ओके नेक्स्ट टाइम आते हैं डेकन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में ओके okay. ये आपकी लास्ट मिनिएचर पेंटिंग है ठीक है इसके बाद जो पेंटिंग्स अब आगे आएंगी वो आपका नेशनल फ्लैग फिर आपके बंगाल स्कूल उससे रिलेटेड आएंगे पेंटिंग्स ओके okay. चलो भाई ओरिजिनल डेवलपमेंट पे आ जाते हैं से कब आपकी शुरू हुई थी है? ये आपकी शुरू हुई थी सिक्सटीन 16 से सिक्सटीन के बीच में अस्सी साल का टाइम पीरियड के अंदर ये आपकी पेंटिंग्स आई थी ठीक है फिर हम आते हैं ये क्यों आए थे क्योंकि जब मुगल्स के टाइम पे औरंगजेब के टाइम पे जितने भी आपके आर्टिस्ट थे उनको भगा दिया गया था उनके औरंगजेब ने बहुत ही कट्टर मुस्लिम थे फेनेटिक मुस्लिम थे तो उन्होंने भगा दिया था ठीक है तो भाई तभी आपके निकल के आए थे डेकन स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग हुआ क्या था भाई डिक्लाइन हो गया था मुगल एम्पायर का तो राइज हो गया था किसका डेकन स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग का ठीक है जितने भी आर्टिस्ट थे वो ऊपर से मुगल्स के एरिया से भाग करके वो नीचे साउथ की तरफ आ गए थे बीजापुर गोलकोंडा हैदराबाद इन जगहों पे ठीक है और तीन डिस्टिंगटिव फेज में इसको डिवाइड किया गया था दैट इज़ तो आपका सुल्तान आदल शाह का टाइम पीरियड फिर आते हैं उसके बाद ईरान एक टाइम पीरियड ऐसा था जहाँ पर हैदराबाद में उसके प्रॉपर रूट्स मिले थे ईरानियन और पोर्जियल स्टाइल्स के बारे में और तो और जितनी भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो प्रॉपर रियलिस्टिक और रोमांटिक स्टाइलिस्टिक तरीके से बनाई जा रही थी ठीक ओके फिर हम आते हैं सब्जेक्ट मैटर के भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है आपके डेकन स्कूल ऑफ मिनेचर पेंटिंग के अंदर ठीक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें ये आती हैं कि भाई जितने भी आपके डेकन स्टेट्स वगैरह होती थी वहाँ पे रागमाला पेंटिंग्स बनाई जाती थी और तो और सेकेंड पॉइंट ये है कि नेचुरल बैकग्राउंड रियलिस्टिक पेंटिंग्स को दिखाना और सिमेट्रिकल डोम्स हर एक चीज़ में सीमेट्रिक दिखाना ये बात याद रखना डेकन स्कूल के बारे में कि हर एक चीज़ में सीमेट्रिक दिखाना और हिल्स को दिखाना ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपके किस में डेकन स्कूल ऑफ मैनेचर पेंटिंग्स में और इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल ऑफकॉर्स ये बात है भाई मुगल आर्टिस्ट को तो वहाँ से निकाल दिया ना लेकिन उनके स्टाइल्स को तो कहीं ना कहीं उनके अंदर अभी भी, भी जिंदा रहेंगे तो वही था जितने भी आर्टिस्ट की पेंटिंग्स बनती थी यहाँ पे वो प्रॉपर उनके इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल्स हम लोग देख ही सकते हैं ठीक है इसी के साथ साथ तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई जितने भी उस टाइम पर थीम्स वगैरह बनाई जाती थी वो होती होती थी रामायणा रामायणा महाभारत कृष्ण लीला ये सब लेस्ट ड्रॉन थीम्स थी ठीक है मैंने आपको ये बात ऑलरेडी पहाड़ी और राजस्थानी स्कूल के टाइम पर ही बताई थी कि ये सब लेस स्ट्रॉन थीम्स थी ठीक है तो इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट खाली दो थे कि भाई आपके जितनी भी पेंटिंग्स होती थी वो उसमें आपके हिल्स वगैरह को दिखाया जाता था और तो और साथ के साथ जितनी भी सीमेट्रिकल डोम्स वगैरह दिखाना हर एक चीज़ को सिमिट्रिकल तरीके से दिखाते थे ठीक है जैसे चांद बीबी प्लेइंग पोलो आप देख रहे हो दो साइड थे दो ए साइड तो ऐसे सीमेट्रिक दिखाना ठीक है इसी इससे ज़्यादातर आप उस पेंटिंग को अगर पूरा बिल्कुल ध्यान से नोटिस करोगे स्क्रीन पे भी आपको दिख गई होगी अभी प्रॉपर उसको नोटिस करोगे तो आपको दिखाई देगा इसमें कि हाँ भाई जैसा इधर है वैसा ही इधर है ठीक है ऐसे ऐसे है पेंटिंग ओके अब फिर हम आते हैं कि भाई जितने भी इन फीचर्स क्या क्या हैं भाई कि वो प्रॉपर इनका पर्शियन मुगल इरानियन स्टाइल्स का इन्फ्लुएंस था साउथ इंडियन ऑर्नामेंटेशन वगैरह थी मेल फिगर्स को टॉल फेयर कॉम्प्लेक्स इमोशनली चार्ज दिखाते थे और जो फीमेल फिगर्स होती थी उनको सेंसली लुकिंग पैर पैर दिखाते थे ठीक है फिर जितनी भी फिगर होती थी, थी चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो उनकी लार्ज ओपन आइज दिखाते थे ऐसे ओपन बड़ी बड़ी, बड़ी आँखें दिखाते थे इसी के साथ साथ बोल्ड फीचर्स दिखाते थे प्रॉपर ब्रॉड फोरहेड बिल्कुल ऐसे चौड़ा माथा दिखाना और तो नेक जो हाई नेक लंबी लंबी गर्दनें दिखा रहे होते थे ठीक है फिर माते जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी कि भाई डेकनी हिल्स को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था और तो और स्मॉल छोटे 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 फोर्ट्स वगैरह दिखाना था तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती थी फिर इसी के साथ और क्या इंपॉर्टेंट फीचर जोमेट्रिकल अगेन वे सीमेट्री वगैरह दिखाना ज्योमेट्रिकल चीजें दिखाना और तो और प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी होती थी वाइट कोटिंग होती थी हर एक चीज की प्रिशियस ज्वेलरीज वगैरह को दिखाया जाता था ओके okay, फिर आते हैं हम इसकी पेंटिंग इसके ऊपर तो दो ही पेंटिंग है इसमें बहुत अच्छी बात है आपको कोई भी आर्टिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है दैट इज़ अन नोन आपके आर्टिस्ट ये भी से, मेरे से आई गेस मेरे प्री बो से तो पूछा गया तो था उसका क्वेश्चन भी आपको बताना है हज़रत निज़ामुद्दीन ओलिया और अमीर खुसूर जो पेंटिंग है इसके आर्टिस्ट बताओ अब ये आपको ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसका कोई आर्टिस्ट गिवन ही नहीं है ठीक है तो मुझे बहुत सारे नाम दे दिए गए मुझे उसमें उस्ताद मंसूर उसाद मंसूर हजी मदनी ठीक है फिर आप चंद एंड अनोन अब इन चारों में से आपको बताना है कौन सा है ठीक है तो किस पे को टिक करना है ऑफकोर्स बात है अनोन पे इट्स नॉट कि आपको नहीं पता है वो है ही नहीं है हमें गिवन ही नहीं है ठीक है ना एन में है ना इंटरनेट पे है ना किसी और बुक्स के अंदर है आपकी ठीक है चलो भाई तो अननोन में है आपकी पेंटिंग किसी ने, ने कहा गोलकोंडा में बनाई गई थी गोलकोंडा के अंदर अभी कहाँ पर प्रिजर्व है नेशनल म्यूजियम न्यू डेली के अंदर अब हम आप कि हम इसके अंदर देख के आ रहे हैं प्रॉपर इसका जो मेन जो बड़ा बड़ा थीम दिखाई दे रहा है वो है आपका ग्रीन कलर का बैकग्राउंड ठीक है ग्रीन कलर का हमें बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें हम लोग देख सकते हैं चांद बीबी जो है वो खेल रहे हैं अपने तीन कम्पेनियस के साथ ठीक है चांद बीबी जो है वो ऊपर आपके प्रॉपर बिल्कुल ऐसे लेफ्ट साइड पर ऊपर बने हुए हैं दिस इज़ द चांद बीबी ये है आपके चांद बीवी ठीक है ये हैं ये अपने तीन जितने भी कम्पेनियंस हैं उनके साथ साथ खेल रहे हैं और तो और ये क्या खेल रहे हैं पोलो खेल रहे हैं अगेन वो उधर मैंने पढ़ा था ना चौगान पेयर एंड प्लेइंग पोलो वही वैसा ही है यहाँ पे भी यहाँ पे भी पोलो ही खेल रहे हैं और तो और इन्होंने क्या पहन रखा है घाघरा और चोली जो है वो पहन रखी हैं ठीक है चांदी भी द फीमेल करेक्टर याद रखना इस बात को ओके फिर आते हैं हम लोग डायरेक्टिंग गेम जो बीच में हम लोग देख सकते हैं छोटा सा एक इंसान है जो पूरे के पूरे जो गेम है उसको डायरेक्ट कर रहा है फिर वो मेल है ठीक है फिर हम आते हैं चार हॉर्सेज और तो चारों के चारों हॉर्सेज तो बिल्कुल रंगीन बना दिए इन्होंने ब्राउन येलो वाइट और ब्लैक चार अलग अलग कलर के हॉर्सेज है फो ग्राउंड फोर ग्राउंड का मतलब होता है ये वाला एरिया ये जो आगे का एरिया आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग फोरग्राउंड एरिया यहाँ वाले एरिया को ठीक है और जो पीछे का एरिया ये होता है आपका बैकग्राउंड का एरिया ठीक है ये बैकग्राउंड का एरिया हो गया तो ये आपके एर फोरग्राउंड एरिया और बैकग्राउंड एरिया ऐसे डिविजन है आपका ठीक फोरग्राउंड एरिया में हम देख सकते हैं लेक बना रखे हैं फ्लावर्स हैं फ्लावर्स कौन से कौन से कलर के हैं रेड ब्लू वाइट और इसी में आपको छे वाटर बर्ड्स भी दिखाई दे रहे होंगे छे वाटर बर्ड्स भी आपके ऐसे यहाँ पे ठीक है एक दो तीन चार पाँच वाटर बर्ड्स भी बना रखे हैं उन्होंने ठीक है तो छः वॉटर बर्ड्स भी बना रखे हैं और तो और इसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में देख सकते हैं डार्क ब्लू कलर का स्काई बना दिया है और प्लस येलो एक छोटा सा येलो कलर येलो सा एक मून है फिर हम देखते हैं हाई होराइजन हाई होराइजन मतलब आपको जो स्काई है ना उसके जस्ट नीचे ये वाला एरिया ये सॉरी ये वाला एरिया, ये। ये वाला एरिया। ठीक है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपको जो प्रॉपर है फोर्ट्स बनाए गए हैं डेकनी हिल्स बनाए गए हैं ट्रीज ब्राइट कलर से ये सब बिल्कुल ब्राइट कलर से दिखाई गई है सारी की सारी चीज़ें ठीक है फिर हम आते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन अलियन आमिर खुसरो खुसरोके इस पेंटिंग का again, unknown, जो देख सकते हैं अगेन अननोन जो आर्टिस्ट हैं वो अननोन है 1750 से 1770 के टाइम पे ये जो प्रॉपर आपकी जो पेंटिंग है वो बनाई गई है हैदराबाद के अंदर ए के एक के माने है आपका आमिर खुसरो ठीक है आमिर खान मत समझ लेना और ए एच एन ए दैट इज़ आपका हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ठीक है तो ये आपके दो हैं आपके प्राम उसमें बैठे हुए हैं और अगेन ये लोग बैठे हुए हैं रिलीज सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं ठीक है तो आमिर खुसरो के अब आप, आप जो है पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वैसे ही ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना आमिर खुसरो हैं वो म्यूज़िकल इंस्ट्रोमेंट सारंगी बजा रहे हैं ठीक है और तो और इसी के साथ वीर उन्होंने ब्राउन कलर का कुर्ता पहना हुआ है और तो और उनके सर पे टर्बन है ठीक है टर्बन है और ब्लैक बियर्ड है ब्लैक बियर्ड से वो पता चल रहा है कि भाई वो यंग है यंग इंसान की ब्लैक बियर्ड आएगी वरना जो ओल्ड हो जाएंगे जैसे कि आपके निजाबुद्दीन औलिया उनका क्या है उनका व्हाइट कलर की बियर्ड है मतलब वो ओल्ड हो गए हैं ठीक है ठीके? और तो और उन्होंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई है वाइट कलर की उनकी बियर्ड है और तो उनकी ओल्ड मतलब क्या आना साथ में ठीक है और तो और हेलो उनके सर के पीछे से हैलो बना हुआ है हैलो इज ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है वो येलो कलर से हैलो बना रखा है जिसे बदल रहे वो कितने डिवाइन हैं महात्मा हैं संत महात्मा परमात्मा तो, परमात्मा कह रही हो संत हैं वो ठीक है और तो और क्या तो है ब्लैक और जस्ट इनके हजरत नजामुद्दीन औला के जस्ट पीछे ही हम लोग देख सकते हैं ब्लैक लार्ज बैक में लार्ज साइज का ट्री जो है वो बना रखा है जिसके ऊपर हमारे आम टंगे हुए हैं ठीक है और तो और फिर लीव्स भी हैं पेड़ है तो लीव्स रहेंगी ही रहेंगी ठीक फिर हम आते हैं इन दोनों की जब बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में एक लैंप को जो है मैके रख दिया गया है लैंप है वहाँ पे और तो और फोरग्राउंड में देख सकते हैं बहुत सारे रूप्स पे ऐसे प्लांट्स वगैरह आ रहे हैं और पीछे क्या है अगेन रेड कलर के जो रोजेस हैं वो हम लोग पीछे देख सकते हैं रेड कलर के ही रोजेस हैं ठीक ओके okay. फिर हम आते हैं ब्लू कलर का बैकग्राउंड है जो पूरा का पूरा जो मेन बैकग्राउंड के होता है जो सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है पूरी की पूरी पेंटिंग के अंदर वो हो गया आपका बैकग्राउंड आपका पूरा का पूरा ठीक है फिर हम आते हैं उसमें सिंगल कलर के फ्रूट्स हैं और तो और फ्लावर्स और कॉन्ट्रास्ट है बन गए एक पे सारी की सारी चीज़ें हैं फिर दिस आपका यूनिट टू भी कम्प्लीट हो गया फाइनल लेवल ले मंगाते हैं इसकी यूनिट थ्री पर दैट इज़ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड एंड सिम्बॉल सिग्निफिकेंस ओके दो आपका अच्छा मेरे से कुछ ने क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई मुझे बता दो कि जितने भी आपका ये फ्लैग है वो येस हमारा फ्लैग छः बार चेंज हुआ है बट आपको खाली तीन बार लग कर आना है दैट इज़ मोर देन एनआफ ठीक है चलो भाई अगर सेवन नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्स के अंदर आपका पहली बार फ्लैग जो है वो चेंज हुआ था वो कहाँ पे हुआ था पारसी बेगान स्क्वायर के अंदर कलकत्ता के अंदर है ये और तो आपको जो अब आप स्क्रीन पर दिख रहा है आप चाहो तो एज इट इज ठीक है एज इट इज़ लिख के आ जाना दैट इज़ थ्री स्टाइप फिर जो कॉलन लगा रखे हैं मैंने डैश उसके जस्ट नीचे फिर आपको रहा है ग्रीन कलर में आठ लो वाइट लोसेस येलो कलर में वंदे मातरम रेड कलर में क्रिसेंट मून एंड स्टार वो कि लेफ्ट साइड में है और सन राइट साइड में एज इट इज आपको ऐसे ही लिख के आना चाहते हो तो ऐसे ही लिख के आता है ना सबसे पहले बात तो क्या होगा जो टीचर है उसको पता चल जाए कि हाँ भाई बच्चों को एज अ टेस्ट प्रॉपर पता है ठीक दूसरी चीज़ क्या हो भाई आपका टाइम बचेगा और तो और साथ ही साथ आपको वो लाइक होता है ना पेजेस भरना तो आपका पेजेस भरने वाला काम भी हो जाएगा ठीक है और बेस्ट बात होगी क्योंकि पेंटिंग का पेपर है छोटा सा पेपर होता है ज़्यादा बड़ा पेपर भी नहीं होगा आपका तो आपको ये बहुत ही ईजी ड्रॉइंग है ठीक है आई नो किसी को लोटस बनाने में दिक्कत होगी ठीक है तो हल्का सा आप ऐसे कुछ भी लोटस की हल्की सी शेप बना देना उसको मेंशन कर देना आर करके ठीक है कि हमने लोटस बनाया है और साथ साथ उसमें आपको जो स्क्रीन पर दिख भी रहा है ये ठीक है आप मेंशन कर देना ये ग्रीन कलर होगा ये, ये येलो कलर होगा ये नीचे रेड कलर होगा इससे क्या होगा कि आपको देखो स्पेस है वो थोड़ा और भर जाएगा ठीक है और तो वो सच बिल्कुल एज इट इज क्लियर हो जो भी आपको समझा क्या रहे हो ठीक है और एक और बात पेंटिंग के पेपर में थ्योरी का पेपर है यहाँ पे आपको ड्राइंग बनाने को नहीं आएगी ठीक है हमें सब क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि आपको मैम हमसे जो पेंटिंग का पेपर है उसमें ड्राइंग बनाने को आएगी क्या तो नहीं पेपर है में जब थ्योरी का पेपर देने जा रहे हो आपको ड्रॉइंग बनाने को नहीं पूछेंगे आपसे आपको ऑलरेडी एंड ऑलरेडी प्रैक्टिकल हो चुका है ठीक था आपका 1921 पे ये कब हुआ था आपका भाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में हुआ था बेजावड़ा में कमेटी हुई थी बैठी थी तब आपका फ्लैग जो है वो लेकर के आए थे ठीक है कि हुआ कहता पेंंगाली वेन का ये जो कि यूथ थे ना उस टाइम पे यूथ एक फ्लैग बना के लेकर कहते कि किसके पास महात्मा गांधी जी के पास ठीक है तो जब वो फ्लैग बना करके लेके आए थे वो खाली उनके पास उस टाइम दो कलर्स थे एक था ग्रीन एक था रेड तो गांधी जी ने क्या करा कि भाई मैं भेदभाव नहीं करूँगा किसी के साथ साथ और हमें सबको एक साथ एकता लानी है तो इस वजह से हमें क्या करना है सबको एक साथ गोलाब करना है तो उन्होंने व्हाइट कलर की स्ट्रिप और ऊपर ऐड कर दी जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो कि भाई व्हाइट कलर की आपको सॉरी दिखी नहीं रहा व्हाइट कलर की उन्होंने स्ट्रिप ऐड कर दी ऊपर ठीक है और बीच में क्या किया उन्होंने एक चक्रा बना दिया चक्रा क्या था दैट इज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन था मे जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन पे इसके जस्ट बाद हुआ क्या था भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इज आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने इस फ्लैग को जो आपको स्क्रीन पर भी अब दिख ही रहा होगा दैट इज जो फ्लैग आप देख रहे हो हमारा भारत का जो आज का फ्लैग है इस फ्लैग को इन्होंने क्या किया भाई एज अ फ्री इंडिया का फ्लैग घोषित कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उन्होंने और तो और तीन स्ट्राइप्स ठीक है तीन स्ट्राइप्स दिखाई दिए थे अब इसको आप लिखोगे कैसे ठीक है ये को मैं प्रेजेंटेशन का तरीका बता दूँ कि प्रेजेंटेशन लिखनी कैसे है इसकी आपने ये लिख दिया कि हाँ भाई ऑल इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने एज अ तो फ्री इंडिया के फ्लैग को इसको एक्सेप्ट कर लिया था ठीक है फिर आपने कहा कि आपने एक छोटा सा बॉक्स बनाया आपकी शीट इतनी लंबी होती है आपने वो छोटा सा ऐसे बॉक्स बनाया उसमें क्या करना है आपने लिखा है भाई इसके तीन स्ट्राइप्स होते थे ठीक है सबसे ऊपर आपने लिखा साफरन उसके नीचे आपने लिखा वाइट उसके नीचे आपने लिखा ग्रीन फिर आपने बना दिया भाई चक्रा मतलब आप बना देने से तो आपने चक्रा लिखा और ठीक है लिख दिया 24 स्पोक्स जैसे आपको आधे टेस्ट स्क्रीन पर दिख रहा है इसे करके आपने उसको प्रॉपर बना दिया और इसी के साथ साथ आपने नीचे बना दिया हमारे इंडिया का फ्लैग ठीक है तो आप जैसे बना रहे हो प्रॉपर आपने बॉक्स के अंदर सारी चीजें दिखा दी इतना सुंदर आंसर बन जाएगा आपका बहुत अच्छा बन जाएगा ठीक है करना है कि आपको भाई साफरन साफारोन में आपने लिख दिया करज एंड सेक्रीफाइस व्हाइट कलर से आपने लिख दिया ट्रूथ एंड पीस ग्रीन कलर से आपने लिख दिया फेथ एंड श्वेलरी और, और इसी के साथ तो अशोक का चक्र जो था वह कहाँ से लिया गया था अशोका जी के टाइम से आपने क्लास एलेवेंथ में पढ़ा था ठीक है कि अशोक बहुत सारे पिलर्स वगैरह बनाए गए थे एंड लॉ एंड कैपिटल वगैरह एक्स वाई जेड तो वहीं से अशोका जो चक्र का जो कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया नेशनल फ्लैग के बीच में जो आया है वो लिया गया है और साथ साथ जो ट्वेंटी फोर स्पोक्स हैं उसके जो सितार लिखाई दे रही स्पोक्स वो स्पोक्स जो हैं वो ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ नेशन को दिखाता है जो चक्रा था ना हम नाइनटीन ट्वेंटी वन वाला उसको हटा करके इस वाले चीज़ को लेके आया गया दैट इज़ आपका शोक चक्रा को ठीक है ओके जो फाइनली बढ़ते हैं इसके अब आर्ट के ऊपर कि जितने भी आर्ट वगैरह बनाए जाते थे क्यों बनाए जाते थे ठीक है तो इनका मेन और मेन मोटिव है आपकी जितनी भी पेंटिंग्स आप देखने वाले हैं सबका एक ही मोटिव है कि वो जितनी भी आपकी पेंटिंग्स बन रही थी वो आपका खाली था नेशनलिज्म के बारे में दिखाने के लिए ठीक है लोगों को खाली और खाली भाई आपको आज़ादी लेनी है आपको ब्रिटिश से छुटकारा पाना है अपने ही हिंदुज़म के मतलब अपने हिंदुज़म के अपने ही जो नेशनल आइडेंटिटी उसके कल्चर को अपनाना है ठीक है ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो आपको दिखाई गई थी आपके आर्ट के अंदर ठीक है स्वराज को दिखाना स्वराज आपकी इंडिपेंडेंस को दिखाना ठीक है तो जो अविंद्र नाथ टैगोर जी थे उन्होंने किया क्या था उन्होंने जो एक पेंटिंग बनाई थी जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे थे दैट इज़ भारत माता की माता की पेंटिंग बनाई थी एंड इसी के अंदर उन्होंने दिखाया था एज अ हिंदू डिटी के तरीके से इनको दिखाया गया था और तो और उस टाइम पे काफ़ी हाई पॉलिटिकल फीलिंग लोगों के बीच में दिखाना ये सारी की सारी चीज़ें उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी ठीक है के साथ साथ इनके जो फीड्स थे इनके अंदर आप लोग लोटसेस देख सकते हो सर के पीछे ऐसा हैलो ऐसे गोल सा हेलो बना हुआ है हैलो उस टाइम की डेविनिटी को दिखाना ठीक फिर आते हैं इनके चार हाथ दिखाएगा एक पे रुद्राक्ष की माला एक पे क्लॉथ है इनका एक पे आपका राइस पैडी राइस है वो है और साथ ही साथ एक मैन्यू स्क्रिप्ट ठीक है ठीके? रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीज़ों को मतलब तो दिखाया गया था ये सब क्या थे ये सब कॉमन मैन के ड्रीम्स थे कि उनको सारी की सारी सारी की सारी चीजें उनके पास होनी ही होनी चाहिए ठीक है ये सब उनके नॉर्मल चीजें थी उनके फिर हम आते हैं कि भाई जो नंदलाल बोस थे इनका बहुत बड़ा रोल था इसमें ठीक है नंदलाल बोस जो थे उन्होंने क्या क्या था महात्मा गांधी ने 1938 में नंदलाल बोस को इन्वाइट किया था कहाँ पे कांग्रेस पवेलियन हरिपुरा हर में सेशन हुआ था वहाँ पे आकर के वहाँ पे बुलाया गया था उसके बाद अगेन जो महात्मा गांधी थे उन्होंने 1936 में भी बुलाया था लखनऊ में इसके साथ साथ फैज़ापुर में तो उनका मतलब क्या था महात्मा गांधी जी का मतलब क्या था नंदलाल बोस को बुलाना हर जगह है उनका खाली यही और यही इम्पोर्टेंस था कि भाई आप जहाँ जहाँ उनको बुला रहे हो ना वहाँ वहाँ जाकर के वो अपनी पेंटिंग्स का एग्जिबिशन दिखा रहे हैं उस जगह को डेकोरेट कर रहे हैं ताकि ऐसे डेकोरेट कर रहे थे कि भाई ये नहीं कि मतलब कुछ भी बना दिया नहीं 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 उनका मेन मकसद था कि भाई वहाँ जा के लोगों के अंदर ना इस बात को जगाना इस बात को दर्शाना कि आपको आपकी कंट्री के प्रति आपको बिल्कुल नेशनलिज़्म की भावना को जगाना है यूथ को एम्पावर कर रहे थे जितने भी उस टाइम के आर्टिस्ट थे ठीक है लोगों को एम्पावर करना यूथ को एम्पावर करना ठीक है हैं कि आर्ट्स का कंट्रीब्यूशन कहता है कि भाई लोगों को एडुकेट करना उनके खुद के कल्चर के बारे में और तो वो उनके जितने भी जो ऐसे थाट्स हैं ना कि भाई ब्रिटिश आइडिया ओनली ब्रिटिश 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 इन सब चीज़ों से दूर कर देना ठीक है अपने ही आइडियाज़ को अपनाना ठीक है और तो और प्लस हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी बंगाल स्कूल के आपके आर्टिस्ट जब आप नेक्स्ट पढ़ने वाले हो बंगाल स्कूल उसके अंदर देख सकते हैं जितने भी आर्टिस्ट थे आपके पेंटर्स कल्चर्स पोट पोएट्स वगैरह हो गए म्यूजिशियंस ये सब सक्सीड भी होगा थे तभी हमें आजकल जो भारत आप देख रहे हो वो हमें मिला है ठीक है तो वैसे आपके चैप्टर भी हम कंप्लीट होकर ओके तो फाइनली हम लोग पढ़ते हैं अपने बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के ऊपर ये जो आपका स्कूल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल में से एक है क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है ठीक है तो so, अब आपकी जो ये स्टार्टिंग हुई थी पेंटिंग की डेवलपमेंट वगैरह वो हुई थी वो हुई थी आपके ट्वेंटियथ सेंचुरी के अंदर ठीक है ट्वेंटियथ सेंचुरी माने आपका वो नाइनटीन थर्टी वो वाला टाइम क्योंकि हमेशा हम लोग हमेशा लो हम लो एक सेंचुरी आगे बढ़ा करके बात करते हैं ठीक है तो इसलिए वो नाइनटी 19th सेंचुरी की वैसे बेसिकली बात कर रहे हैं बट हम लोग बोलेंगे क्या ट्वेंटी सेंचुरी ठीक है तो आपको खाली एक आइडिया दिया यहाँ पर ठीक है कैसे आए थे भाई इंडियन और एशियन इन दोनों के स्टाइल्स को मिक्सचर इन दोनों के स्टाइल को मिला करके यहाँ पे जितनी पेंटिंग्स थी वो डेवलप हुई थी कहाँ कहाँ अब इसके बाद आपको जितने भी स्कूल से वो आए थे आप लाहौर मड्रॉस कलकत्ता बॉम्बे इन इन जगहों पर आपकी जितनी भी पेंटिंग्स थी आर्ट स्कूल्स वगैरह थे वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ था उन सब का ठीक है अब किसने प्रोडक्शन था भाई जितने भी ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे उनका प्रोडक्शन आया था तो इसका मतलब क्या हुआ था उनका साथ तो उनका बैड इन्फ्लुएंस भी चलता हुआ आ रहा है ठीक है पीछे 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 पीछे, पीछे करके तो वही जितने भी आर्टिस्ट थे उनका ये मेन काम था कि जितने भी यंग पेंटर्स आएंगे अब उनको क्या सिखाना है उनको ये बात सिखानी है कि अब आप जो ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस है ना उससे भाग जाओ उसको छोड़ दो ठीक है और तो और अपने ही आइडियाज को इवॉल्व करो ठीक है सबसे बड़ा जो नाम उस टाइम पे बाहर आता दैट इज आपका अरविंद नाथ टैगोर हुआ था क्या था क्योंकि देखो ई बी जो थे ठीक है उन्होंने ना बिल्कुल ऐसे इंस्पायर किया था और तो और नए नए आइडियाज़ दिए थे किसको अविंद्रनाथ टैगोर को कि आप जा करके नई नई टेक्निक्स निकालो तो उन्होंने नई टेक्निक निकाल दैट इज़ टेम्परा एंड वॉश टेक्निक और तो और हम देख सकते हैं कि भाई जो अविंद्र टैगोर जी ने जितनी बनाई थी पेंटिंग्स वगैरह टेक्निक जो यूज़ किया गया था वो इंडियन ट्रेडिशनल जापनीज और चाइनीज पेंटिंग इन सबका मिक्सचर को बना कर कि यूज़ किया गया था और उनका मेन मोटो ये था कभी भी किसी चीज़ को एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना है ठीक है उसको हमेशा अपने तरीके से बना करके एक्स्ट्रा बना करके करना है ठीक है कॉपी पेस्ट इज़ टू बैड ठीक है बहुत बुरी बात है वो तो हमेशा वो चाहते थे कि भाई मैं खुद से कुछ इंट्रोड्यूस करूं। तो उनका भी यही काम था उन्होंने भी यही काम किया ठीक है और 1896 में इंडियन हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रकाशित हुआ था फिर हम आते हैं कि भाई और तो साथ साथ क्या है अभिन्द्र नाटक और कुछ फेमस स्टूडेंट्स हैं ऑल दो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे बट कुछ मेरे नाम याद रख लो इट्स मोर देन एनफ ठीक है नंदलाल बोस हो गए असीत हल्दर एंड सुरेंद्र कर ये जैसे आपको प्रोनाउंस करते हो ना वैसे ही आपको लिख करके आना है नंद लाल बोस असीत हल्दर एंड सुरेंद्र कर जैसे बोल रहे हो बस वैस वैसे, वैसे वैसे लिखना है एंड मैनी अदर्स करके लिख देना बस ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें फिर आते हैं कि ये सब था क्या ये आभिंद्रनाथ के स्टूडेंट्स है और तो ये जितना भी पूरा ग्रुप ये बिल्कुल एक यूनिक ग्रुप था बिल्कुल एक अटपटा ही मतलब बहुत ही यूनिक ग्रुप था उस टाइम पे ठीक है क्यों यूनिक ग्रुप था क्योंकि इनका जितना भी स्टाइल था एक तो वो अपना खुद का यूनिक स्टाइल था और यूरोपियन नेचुरलिज्म देखो उस टाइम के किसी चीज़ को कॉपी करना इज वेरी वेरी बड उनको ऑलरेडी बताई दिया उस चीज़ से हट करके इन्होंने अपने ही टाइप के पेंटिंग्स वगैरह को बाहर निकाला था ठीक है इसलिए इसको यूनिक ग्रुप के नाम से जान जाता है और तो और इसके साथ एक ऐड भी कर देना छोटे काल भवाना ये जो नाम है ये काल भवाना ये उस टाइम का फर्स्ट इंडिया के अंदर फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल था ठीक है कौन सा स्कूल भाई काल भवाना फिर हम आते हैं इसकी टेक्निक एंड सब्जेक्ट मैटर जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपको ऐसे ही ऐसे लिख करके आ जाना अपने एग्जाम के अंदर ठीक है ओके फिर हम आते हैं ई बी हैवल मैंने आपको पता कि ई बी हैवल ने ना मोटिवेट किया था किसको अपने दिन अट्लेक्ट हो कि भाई वो नए नए स्टाइल्स लेके आए तो वो टेम्परा एंड वॉश टेक्निक जो है वो लेकर के आए ठीक है थीके? उन्होंने क्या बोलते कि नए नए स्टाइल्स लेकर और भाई तुम जाकर स्टडी करो चाहो जाकर स्टडी करो जो, जो भाई मुगल बनाए मुगलों ने पेंटिंग बनाई पहाड़ी पेंटिंग बनाई राजस्थानी पेंटिंग्स बनाई अजंता के टाइम पे जो केव्स ए जो आपने एलेवंथ क्लास में पढ़ा था उस टाइम की जो पेंटिंग्स बनाए आप इन सब को जाकर के स्टडी करो ठीक है स्टडी करोगे को तो तुम्हें और नए नए आइडियाज़ आ जाएंगे तो वही काम उन्होंने किया भी उनको नए नए आइडियाज़ आए और तो और जितनी भी टेक्निक सब्जेक्ट मैटर है सब क्या हो सकता है उनको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, है। तो जितने भी उस टाइम के यंग पेंटर्स थे उनको और से और ज़्यादा उनको ऐसे इंडियन टेस्ट देना शुरू हो गई ये लोग ठीक है ठीक है और तो साथ साथ इसके बाद फिर वॉश एंड टेम्प्र स्टाइल की पेंटिंग्स बनाने लग गए जिसके अंदर लोगों ने हिस्टोकल पेंटिंग रिलीजियस पेंटिंग्स सोशल लाइफ से रिलेटेड फ्लोरा एंड फोना इन सब को दिखाना शुरू होगा कौन सी टेक्निक यूज़ करके वॉश एंड टेम्प्र टेक्निक यूज़ करके ठीक है इसी के, के। साथ साथ जितने भी मॉडर्न आर्ट उस टाइम पर बनाते थे उसको एज अ कंसिडर किया जाता था, था कि भाई कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म इन दोनों के बीच की फाइट चल रही है ठीक है तो इनको ऐसे करके दिखाया जाता था कि भाई आपको इससे दूर भागना है कॉलोनियल ब्रिटिशर्स से दूर भगाना है मेन बंगाल जो आपका पेंटिंग है उसका मेन ही थीम यही है कि भाई कॉलोनियलिज्म को ऐसे दूर फेंकना और नेशनलिज्म को अपनाना है जितना जितना कोशिश कर सकते हैं उतना ज़्यादा ठीक है और तो और इंडियन आर्ट के अंदर जो है इंडियन आर्म को ऑलरेडी बता दिया कि भाई उनसे आइडियाज़ ड्रॉ करो उनसे आइडिया लो बट कॉपी नहीं करना उनको अपनी खुद की लेगेसी को फॉलो करना है तो ये इसका एक मेन मोटिव था अगेन ठीक है इसके बाद है इसके मेन फीचर्स इसके तो पांच ही छोटे छोटे मेन फीचर्स हैं एज इट इज़ मतलब बिल्कुल इज एम आर लगा दो बस इसमें और कुछ नहीं करना फर्स्ट है आपका अजंता पेंटिंग्स जो थी वो बनाई गई थी उस टाइम पे अजंता पेंटिंग्स ली गई थी चीज़ें टेवस उस, उसके जैसे लीनियर ली डेलीकेसी हो गया रिदम हो गया ग्रेस हो गया क्योंकि आपने क्लास एलेवं में पढ़ा था कि अजंता के अंदर जितनी भी पेंटिंग्स बनाई गई थी केव्स के ऊपर वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई थी तो वहीं से ये चीज़ों को लिया गया था ठीक फिगर्स जो थी प्रॉपर डेलीकेट बना जाती थी ग्रेसफुल तरीके से वॉश एंड टेम्पर टेक्निक का यूज़ किया गया था जिससे कि हारमनी और आई थी हारमनी कैसे आ गई वॉश एंड टेम्पर टेक्निक से क्योंकि भाई उसको खुद से इंट्रोड्यूस किया गया था अभिंद्र नाथ टैगोर ने उसको खुद से इंट्रोड्यूस किया उस टेक्निक को ठीक है और तो और जितना भी इंडियन पेंटिंग्स है वो इंडियन रूट्स का इम्पैक्ट वगैरह करते थे एंड इसी के साथ साथ यूमन एंड एनिमल के फिगर्स को हम लोग देख सकते हैं हमारे बंगाल स्कूल के पेंटिंग्स के अंदर जैसे कि आप देखोगे आप नेक्स्ट पेंटिंग दैट इज़ जर्नीज एंड के अंदर ठीक है ओके okay, जर्नीज एंड का क्या है आपको ये बंगाल स्कूल से लिया गया है अभिन्द्र नाथ टेगोर जी ने बनाई है 1937 के अंदर इसी के साथ साथ पोएटिक डेलीबरेशन आपको खाली अब आप इसकी जो ये पेंटिंग है ना स्टोनी ग्राउंड ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स में से एक है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे आपको एज इट इज अब बनाना है आपके जो बनाने था था, आपको इसको देख करके आपको याद रखना है कि भाई क्या आपको लिखना है इस पेंटिंग के अंदर ठीक है ओके okay, अब हमें दस कि भाई कि आप आया आकर के धड़ाम से गिर गया बिल्कुल सोने से ग्राउंड पे कैम्बल ठीक है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे वेट डाल रखा है बेचारा डम्प एनिमल उसके उसको देख करके बहुत ज़्यादा सिम्पथेटिक लुक आ रहा है बहुत दया आ रही है हमें उसको देख करके ठीक है और तो और इसके साथ साथ भाई ऐसे ऑरेंज कलर सा लुक दे रखा है जो ब्लू कलर से उस स्टोन्स बना रखे हैं ब्राउन कलर से उन्होंने यूज़ कर रखा है ठीक है और सन कैसे मिस्टिकल सा इफेक्ट दिखा रहे हैं पीछे डिजर्ट कॉम्पोजिशन में क्वेश्चन क्या आएगा अब आपका मिस्टिकल इफेक्ट दिखाया जा रहा है डिजर्टेड बैकग्राउंड है और तो और हमें उसमें पेन सफरिंग वगैरह दिख रही है वॉश एंड टेम्परा टेक्निक से ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे करके दे सकते हैं क्वेश्चन में ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोज़ को जरूर देखना क्योंकि उसमें मैंने आपको बता रखा है कि बंगाल स्कूल से मॉडर्न ट्रेंड से मॉडर्न स्कल्पचर्स से ग्राफिक प्रिंट से इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं पेंटिंग के वो कैसे बन कर के आते हैं ठीक है तो उसको ज़रूर ध्यान से देखना ओके okay. फिर हम आते हैं भाई सिंपथेटिक लुक है धड़ान से के सोने ग्राउंड पे गिर गया गिर गया है डम में आने वाले पेन सफरिंग दिख रही है उसकी ऐसे आँखी आँखें आँखें आदि खुली हुई हैं उसकी ठीक है और तो और इसके साथ बहुत ही ट्रेमेंडरस बहुत ही दुख भरा एक्सप्रेशन है उसका ठीक फिर हम आते हैं भाई जितने भी है डिजर्टेड डेजर्ट कैमल कैमल याफ कौन सी बात है वो डिज़र्ट में घूमेगा पानी पे तो घूमेगा नहीं चलो वाशिंग टेपरा टेक्निक यूज़ किया गया है और तो और रेड ब्राउन येलो कलर से इस पूरी की पूरी जो पेंटिंग है उसको दिखाया गया है ब्लू कलर से स्टोन्स है नेक्स्ट हम आते हैं राधिका की वाली पेंटिंग के ऊपर ठीक है जिसके तो अंदर देख सकते हैं मोहम्मद अब्दुल रहमान छगुताई ने इस पेंटिंग को बनाया है अगेन एंसेस्टर थे जो हमने मुग़ल स्कूल्स में पढ़े थे उसमें से किसी के एंसेस्टर हैं उसान मंसूर के और दो और इसी के साथ साथ हम देखते हैं नाइनटीन ट्वेंटी में इस पेंटिंग को बनाया गया है अब इसके अंदर क्या है राधे का दट इज़ आपकी राधा जी की ये पेंटिंग बनाई गई है एंड इसी के साथ साथ हमने देख रहे हैं इसमें कि वो पोएटिक बिल्कुल ऐसे आ, किसी पोएम को डिस्क्राइब करता है तो पोएम को देख रहे आप कैसे कितने प्यारे तरीके से को डिस्क्राइब करते हैं पोएम्स के अंदर जितने भी आपके राइटर्स होते थे तो वैसे ही ये जो पेंटिंग है इसके अंदर में से पोएटिक तरीके से दिखाया गया है कि वो बहुत वैसे सलीक तरीके से बैठी हुई हुई ठीक है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बैठी खड़ी हुई हैं बहुत ही ब्यूटी ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया प्लेजर लग रहा है मैं उनको देखकर करके और तो और बहुत ही डिटेल्ड पेंटिंग है ठीक राधा जी जो है बिल्कुल से डेलीकेट फ्लेक्सिबल हैं और बहुत ही लवेबल तरीके से राधा जी तो ऑफ ऑफकोर्स ये बात है फ्लेक्सिबल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि वो, है वो, वो ऐसे मुड़ी हुई है नीचे को झुकी हुई हैं वो ठीक है इसी के साथ उनकी बेंड नेक है लेफ्ट हैंड उन पर ऐसे चीख पे ऐसे, ऐसे रेस्ट कर रहा है और तो और राइट हैंड से उन्होंने अपने लोटस बड जो तो लोटस बड है उसको पकड़ा हुआ है ठीक है फिर हम आते हैं और उस बड के ऊपर ना वैसे जो बड आपको दिख रहा है लोटस बड उसके ऊपर एक बम्बल बी भी बैठी हुई है ठीक है एक बम्बल बी जो छोटी सी बी दिख रही है आपको ये बम्बल बी भी बैठी हुई है उसके ऊपर उस जो आपका लोटस है उसके ऊपर ठीक है इसी के साथ साथ हम जो तो देख सकते हैं कि जो ड्रेस है ब्लाउज जो है वो ऑरेंज कलर का है लहंगा जो है वो ऐसे पर्पल कलर का है और ओढ़नी लहंगा पर्पल कलर का है जो ओढ़नी है ना ऊपर से वो है आपकी येलो कलर की ठीक है बैकग्राउंड में देख सकते हैं एक साइड पर ऐसे बीच से लैंप जल रहा है बिल्कुल सुंदर सा और पूरे कलर्स कौन कौन से यूज़ किए हैं ऑरेंज हो गया रेड हो गया पर्पल हो गया आपका ये अलग अलग कलर जो आपको दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पर वो सारे कलर आपके यूज़ किए गए नेक्स्ट हम आते हैं शिवा एंड सती के ऊपर ये वाली पेंटिंग मैंने खुद भी देखी थी जब मैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में गई थी तब जितनी भी पेंटिंग्स है इसमें वो सारी के सारी टाइप नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की ही है ठीक है ओके सो वो नेक्स्ट हम आते हैं श्रीवान सती के ऊपर पेंडिंग को बनाया है नंद लाल बोस ने 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी तब की ये पेंटिंग बनाई गई है अगेन मैथोलॉजिकल एपिसोड है मैं आपको बता रखा था ऑलरेडी कि भाई जो शिव जी एंड सती जी के बीच में जो प्रॉब्लम हुई थी जब सती जी वापस आई थी अपने पिता के पास एंड जब उन्होंने अपने आप को जला दिया था तो ये उस टाइम की बनाई गई है तभी इसका नाम है शिवा एंड सती ठीक है वो जला दिया गया था तो उसके ऊपर एक माइथ्रोलॉजिकल एपिसोड के ऊपर ये पूरी की पूरी, पूरी पेंटिंग बेस्ड है ठीक है इसी ज़्यादा देख सकते हैं जो आर्टिस्ट है वो मास्टर्स ऑफ लाइंस है स्मूदनेस ग्रेसफुल डेलिकेट सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाई गई हैं टोन्स वगैरह फिर आते हैं शेड्स यूज़ किए गए ब्राउन कलर के येलो कलर के स्काई को दिखाने के लिए स्काई को दिखाने के लिए और इसी के साथ साथ वॉयलेट ब्राउन और वाइट कलर दिखाया गया है अर्थ को दिखाने के लिए जो नीचे अर्थ आप देख रहे हो जिसपे जो सती जी है वो ऐसे लेटी हुई है ठीक है फिर हम आते हैं शिव जी और सती जी को दोनों को अलग अलग ध्यान से नोटिस करना है बस बाकी पेंटिंग फिर खत्म है आपकी ऐसे नोटिस जो शिवाजी हैं वो ऐसे बैठे हैं उनको बहुत दुखी उदास चेहरा है इसी के साथ साथ, साथ स्ट्रेचिंग ऐसे उन्होंने दोनों आम अपने ऐसे फैला रखे हैं ठीक है ठी इसी के बाद फोर हेड उनका देख सकते हो बहुत ही ऐसे बड़ा फोर हेड उनके ऊपर ऐसे तीन लाइनें बनी हुई हैं शिव जी का भी आप शिवलिंग देख लो अगर भी शिव जी की मूर्ति देख लो तो खासी बात आपको तीन लाइनें दिखाई देती हैं तो वैसे ही तीन लाइनें जो हैं वो है आपकी इस पेंटिंग के ऊपर बनाई हुई है इसी के साथ साथ जो हेयर है वैसे ऐसे जैसे मैंने बन बना रखा है ऐसे टाइड हेयर तो उनका भी ऐसे बन बना हुआ है ऊपर और तो उनके जैसे पीछे ऐसे सर के पीछे ऐसे हेलो बना हुआ है ठीक है फिर हम आते हैं कि अभी तक हालो हमने बहुत सारी जगह पे सुन लिया हैलो वो हजरत नजामुद्दीन औलिया के ऊपर भी सुन लिया भारत माता के ऊपर भी सुन लिया एंड शिव जी के ऊपर भी सुन लिया तो ये कुछ हैलो है हेलो मतलब ऐसे डिविनिटी को दिखाने के लिए भगवान जी को दिखाने के लिए ठीक है और नेकलेस उन्होंने पहन रखा है रुद्राक्ष की माँ जो पहनते हैं ऑलरेडी और तो और सी के साथ, साथ साथ स्नेक उनके गले में स्नेक लिपटा रहता है वासुकी जो स्नेक है उनके गले में हमेशा लिपटा ही रहता है नाम लिख दो वासुकी तो और भी अच्छी बात है फिर हम आते हैं सती के ऊपर सतीज बिल्कुल ऐसा अनकॉन्शियसली ऐसे वो बजाई पड़ी हुई है उनके आर्म्स के ऊपर शिव जी के नीज के ऊपर आर्म से जिन्होंने होल्ड कर रखा है और तो और उनकी आईज बिल्कुल क्लोज है पेल ऐसे पीला सा पूरा फेस पड़ गया है उनका और तो और उनके उन्होंने नेकलेस पहन रखा है आमलेट हाथ में जो आमलेट पहनते हैं आमलेट पहन रखा है फिर आते हैं इयर ईयरिंग्स वगैरह है ब्रेस ब्रेसलेट आमलेट यहाँ आर्म्स पे जो पहनते हैं सॉरी वो पहन रखा है और तो और साड़ी जो है वो लाइट शेड लाइट कलर की रेड कलर की शेड में जो है वो साड़ी है उनकी ओके okay, बंगाल स्कूल की आपकी लास्ट पेंटिंग है दैट इज मेघ दूता राम गोपाल विजय वर्गिया ने बनाई है नाइनटीन से नाइनटीन के बीच में ठीक है अगेन ये पेंटिंग आपकी मतलब ऐसी है कि आपको पेंटिंग को देख करके ही समझ में आएगा कि आपको पेंटिंग में बताना क्या क्या है ठीक है ओके ये यक्षा और अलका जी उनके बीच की ये स्टोरी बताई गई है जिसमें कि जो यक्षा जी जो ये जो यक्षा जी हैं उनको निकाल दिया गया है कि भाई आप निकल जाओ हमारे जो सेंट्रल इंडिया है उनसे इनको निकाल दिया गया है तो वो क्या कर रहे हैं वो क्लाउड मैसेंजर के थ्रू जो क्लाउड्स हैं उनको एज अ मैसेंजर का काम करवा कर रहे हैं कि जाओ जा करके अलका जो मेरी वाइफ है उनके उनके पास जा के ये मैसेज पहुंचा करके आओ तो इस के अंदर मेन जो पूरा ऊपर से जो आपको ब्रीफ है वो इस पेंटिंग का यही है ठीक है तो ये अगेन मेघ दूतम पेंटिंग मेघदूत दूत पेंटिंग की एक सीरीज से लिया गया है ठीक है जो कि दूतम जो कालीदास ने लिखी थी उसके द्वारा इसको बनाया गया है ठीक मेघदूत जो है वो क्लाउड मेघदूत मेघ दूत मेघ माने बादल तूत जो संदेश पहुंचाता है एक दिश, एक जगह से दूसरी जगह ठीक है दैट इज क्लाउड मैसेंजर मैसेंजर ठीक है फिर आते हैं जो यक्षा जी हैं वो एक साल से उनको निकाल दिया गया है और वो कन्विंस कर रहे हैं अलका जी के पास अपने मैसेज पहुंचाने के लिए तो यक्षा जी हैं वो येलो कलर की धोती उन्होंने धोती नीचे वाली जो धोती है वो पहन रखी है और तो और व्हाइट कलर का उनका दुपट्टा है इसी के साथ साथ वो बैठे हुए हैं और लाइट राइट लेटर्स लिख रहे हैं पाम लीव्स के ऊपर अगेन आपको वन मार्कर्स पे देखो यहाँ तो कुछ ना पूछा गया था कि जब पहले कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती थी जिसपे पेंटिंग्स बना सको तो किस पे पेंटिंग्स बनती थी पाम लीवस के ऊपर ठीक है ओके तो पाम लीवस के ऊपर बनाई गई है तो जितनी आपकी जो पेंटिंग है वो और तो वो क्लाउड जो है वो बहुत ही ब्यूटिफुली ड्रॉन है पीछे से झरना बह रहा है विंड्स जो है उससे विंड्स भी बह रही हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि भाई पेड़ हैं वो हिल रहे हैं उनके जो क्लोथ्स है वह सब फ्लटर कर रहे हैं आहार में उड़ रहे हैं ठीक है साथ ही साथ ट्रीज प्लांट्स सब उड़ रहे हैं इसी के साथ बैकग्राउंड में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जो रॉक लॉट्स ऑफ रॉक्स है और हट एक बना हुआ है पीछे एंड इसी के साथ तो जो आगे है हम लोग तो स्ट्रीम भी देख सकते हैं ये स्ट्रीम आपको दिखाई दे रही होगी स्ट्रीम यहाँ पे बना रखी है ये वाली स्ट्रीम है और पीछे ऐसे रॉक हट हट है और बहुत से ज्यादा रॉक्स है ठीक है ओके सो okay. विद so, दिस आपको ये चैप्टर भी कम्प्लीट होगा ठीक है तो मॉडर्न ट्रेंड्स में क्या है भाई अगेन ये आपका इंपॉर्टेंट है चैप्टर है तो इसमें जो ये फ्रंट जो आपको अभी स्लाइड दिख रही है बस यही इसमें इतना ही आपको लिख करके आना है ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत है भी नहीं आपको ठीक है अगर इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था भाई ब्रिटिश हराई के टाइम पे नए नए टाइप की जो टेक्निक्स है वो डेवलप हुई ठीक है हर एक फील्ड में हुई ठीक है लिटरेचर साइंस इंग्लिश उसके बाद आपका जितना भी उस टाइम की टे, टेक्नोलॉजी थी हर एक चीज़ में उनका एडवांसमेंट हुआ तो आर्ट को क्यों पीछे छोड़ दी उसमें भी एडवांसमेंट कर ही लेते ठीक है, ठीक है तो आपके साथ एडवांसमेंट वगैरह हुई थी इसी के साथ साथ मॉडर्न पेंटिंग्स आना शुरू हो गई अब से मॉडर्न ट्रेंड्स है तो मॉडर्न पेंटिंग्स आना शुरू हो गई हैं और तो और कहाँ कहाँ पर आई कलकत्ता मद्रास में आई बॉम्बे में आई अलग, अलग अलग जगह अलग अलग जगह पे जो पेंटिंग्स थी वो ओरिजिनेट हुई ठीक है और फिर अलग ओरिजिनेट हुई तो फिर स्प्रेड होना शुरू हो गई ठीक है जैसे कोई वायरस स्प्रेड होता है ना तो बस वैसे ही जो पेंटिंग्स भी थी वो भी स्प्रेड होना शुरू हो गई बिल्कुल फटाफट फड़ से हर एक जगह पे पेंटिंग्स वगैरह ठीक है जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने अपने स्टाइल की जो पेंटिंग्स वगैरह थी वो सब निकाल ली निकाली और इसी के साथ साथ अपना खुद की पर्सनालिटी और इन्फ्लुएंस जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ते चले गए ठीक है अब यहाँ पे आपको आप पो बहुत सारे आर्टिस्ट के नाम दिखाई दे रहे हैं दैट लि इज़ अभिंद्र टैगोर टेगोर गगेंद्र नाथ टेगोर टैगोर तीनों टेगोर्स आर्टिस्ट फिर आते हैं हम राजा रवि वर्मा जामिनी रॉय अमृता शेरगल राम किनकर बाइज डी पी राय चौधरी एंड एम एफ हुसैन ओके तो मेरे पास क्वेश्चन ये भी आया था कि आप लोगों के आर्टिस्ट के बारे में लिखने को आएगा आज तक के पेपर में देखो नहीं आया है। ठीक है बट सी बी एस का को कोई भरोसा नहीं होता ठीक है तो इसके लिए प्रॉपर जो आपकी वन शॉट रिविजन की वीडियो है उसमें जाके चेक कर सकते हो बट इसके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल्ड में नहीं बता रही बिकॉज ये आज तक के पेपर में नहीं आया है ठीक है ओके सो लेट्स क्रॉस फिंगर्स की इज्जा के पेवर में भी ना आए एंड इसी के साथ साथ क्या है कि जितनी भी पेंटिंग बनाई जाती थी उस टाइम के टाइम पीरियड में दैट इज़ आपकी इंडियन सॉइल के ऊपर बेस्ड होती थी और वॉइस ऑफ चेंज मतलब कि भाई जितनी भी पेंटिंग्स बनाते थे तो उनका मेन मोटो यही था अगेन कि ऐसी पेंटिंग्स बनानी है जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता फैले कि भाई मॉडर्न ट्रेंड्स लेके आने बट उसको पीछे छोड़ना है बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाली उसको कॉपी करके आगे बढ़ें ठीक है हम अपने स्टाइल से आगे बढ़ेंगे अपनी चीज़ें लेकर के आएंगे हम लोग भी किसी को कॉपी करना अच्छा नहीं पसंद नहीं करते ना तो वैसे ही हमें हम चाहते हैं कि हम खुद कुछ, कुछ अलग दिखें हमें कुछ अलग करना है सबसे कि लोग हमारे पास हम, लोग हमें नोटिस करें तो वैसे ही उस टाइम की पेंटिंग्स में भी था ठीक है कि हम किसी को कॉपी नहीं करेंगे जितने भी आर्टिस्ट आप देख रहे हो यहाँ पे हम किसी को कॉपी नहीं करेंगे हम अपना खुद का स्टाइल्स निकालेंगे ठीक है तो यही यहाँ पे भी है अगर आपको कोई सॉरी <coughs> अगर आपको कोई इन सब में से कोई आर्टिस्ट आपको याद भी करने हैं तो आपके कितने चार पाँच छः कुछ ऐसे छः पाँच दस नाम हैं बारह नाम तो आपको क्या करना है इनमें से खाली खाली आपको तीन से चार नाम इज़ मोर देन इनफ जब आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और जो आपको अच्छे लग रहे ईज़िली याद हो सकते हैं आप उन पर फोकस कर सकते हो बस एज इट इज ठीक है और आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत है अब हम आते हैं इनके मॉडर्न ट्रेंड्स के ऊपर भाई जो इतने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई है तो आपके टोटल चार पेंटिंग्स है फर्स्ट इज रामा वेंकट प्राइड ऑफ द ओशन ठीक है तो इसमें क्या है भाई राजा रवि वर्मा ने पेंटिंग बनाई है नाइनटीन सेंचुरी में पेंटिंग को बनाया गया है एज एट इज आपको जो पेंटिंग स्क्रीन पर पे दिख रही है आपको एज एट इज पेंटिंग जो है वो याद करनी है ठीक है बस पेंटिंग याद कर लो आपका आधे से ज़्यादा काम डन हो जाएगा ठीक चलो भाई फिर हम इसमें देखते हैं कि किसने बनाई है बाल्मीकि रामायणा से रामायण से अगेन इस, इस सीन को उठाया गया है जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं तो राम जी जो हैं वो ऐसे धनुष बांध लेके खड़े हुए हैं कि अब तो मैं इस जो है उसको सुखा ही दूंगा इसको तो मैं कोई चांस ही नहीं छोड़ूंगा कि अब ये समुद्र जो मुझे जाने कैसे नहीं दे रहा उस पार श्रीलंका मुझे जाने कैसे नहीं दे रहा वो सीताजी से मिलने के लिए ठीक है तो हुआ क्या जो वरुणा जी हैं वो उनके स्कॉट्स दो और स्कॉट्स हैं वो सब आ गए हैं वहाँ पे उनको रोकने के लिए राम जी हो कि आप रुक जाइए आप हमें मत सुखाइए जो समुद्र हैं उसको मत सुखाइए ठीक है तो राम जी जो है वैसे ब्रेवरी तरीके से दिखाया गया ऐसे तंगुशबान पकड़े हुए और बहुत ज़्यादा ही हवाएं चल रही उनके ऐसे धोती जो है वैसे लहरा खा लहरें खा रही हैं ठीक है थीके? और तो और वो दो स्कॉट्स के साथ उतर वरुणा जी आए उनको ऐसे रोकने की पोजीशन में है बहुत ज़्यादा डायनामिक मूवमेंट दिखाया गया इस पेंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेवरी स्ट्रेंथ इस चीज़ पे फोकस किया गया है तो मेरे को जो जो पेंटिंग मैंने अपने दिमाग में खाली पेंटिंग सोचा और मैंने आपको खाली वो बता दिया जो मुझे याद आ रहा है ठीक ओके फिर हम आते हैं कि भाई हाँ कंपोजिशन में कैप्चर मूवमेंट मोशंस डायनामिक मूवमेंट दिखाए गए हैं फोरग्राउंड में देख सकते हैं रॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं बहुत ही स्मूदली ओशन को भी दिखाया गया है स्मूदली कैसे गया कि वे कैसे भाई क्योंकि देखो रॉक्स के बीच में से भी आप नोटिस करोगे ना तो पानी जो है वैसे रॉक्स के बीच में से भी ऐसे निकलता वैसा आ रहा है ठीक है तो बहुत ही स्मूथ तरीके से उनके से लहरें को दिखाना वो सारी चीज़ें दिखाई गई है इस पेंटिंग के अंदर ठीक है राम जी की ब्रेवरी और स्ट्रेंथ को दिखाया गया है ओके okay, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेंटिंग के ऊपर दट इज मदर एंड चाइल्ड के ऊपर इसमें क्या है भाई जामिनी रॉय ने पेंटिंग को बनाया गया है जामनी रॉय मेल आर्टिस्ट फीमेल आर्टिस्ट नहीं है ये चलो भाई 1930 में बनाई गई है आपकी ये वाली पेंटिंग और तो और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होकर के बनाई है इस पेंटिंग को किसी का प्रभाव नहीं था किसी की कोई रुकावट नहीं थी बिल्कुल इंडिपेंडेंस तरीके से बनाई गई है फोक आर्ट की थीम के ऊपर बेस्ड है दैट इज काली खाट पटा पेंटिंग्स के ऊपर ही पेंटिंग बेस्ड है ठीक फिर इसी के साथ साथ आते हैं हम लोग कि भाई इस पेंटिंग के अंदर दिखाया गया जा रहा है एमोटलाइज मदरहुड मदरहुड का प्यार माँ का प्यार इसके अंदर दिखाया जा रहा है कृष्ण जी और उनकी माँ जो है यशोदा जी उनके बीच में पेंटिंग दिखाई गई है ठीक इनकी कैसी एलोंगेटेड ऐसी पतली पतली एलोंगेटेड ऐसी आइज बनाई गई हैं और थोड़ा तो सी थिक मोटी मोटी थिक थिक, थिक आईब्रोज हैं ठीक है अगर पेंटिंग को देखो मुझे पेंटिंग को देख के जो जो चीज़ें याद आ रही हैं मैं आपको वही बताने वाली हूँ जैसे कि भाई जो पेंटिंग है उसमें जो आप साड़ी देख रहे हो साड़ी वर्ग साड़ी पहन रखी है उन्होंने ठीक है पूरी की पूरी जो पेंटिंग है उसके बॉर्डरिंग कर रखी है फिर आते हैं हम लोग कि भाई जो कृष्ण जी है वो साइड में से हैंग कर रहे हैं एक साइड मदर है तो एक साइड आपकी कौन है चाइल्ड है मदर जो है उन्होंने ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है अपने बेटे को ठीक है कौन सा आर्म है भाई लेफ्ट आर्म में है लेफ्ट साइड की वेस्ट पे एक ही साइड की वेस्ट पे उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है और हम क्या देख रहे हैं इस पेंटिंग के अंदर भाई कि भाई जो पूरी की पूरी पेंटिंग्स है, है, है वैसे मुद्रा का हेड एसल टेल्ट है जो कृष्ण जी हम वैसे नेकेड खड़े हुए हैं और राधा जी ने कृष्ण जी उनका से पकड़ा हुआ है साथ ही साथ और भाई हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स पेटल्स लीव्स ये सारी चीज़ें बनाई गई है फोक तरीके से दिखाई गई सारी की सारी चीज़ों को और तो बिल्कुल सिंपलिस्टिक तरीका दिखाना रूलर लाइफ को दिखाना उस टाइम की पेंटिंग्स में है ये चीज़ और कौन कौन से, ये से कलर यूज़ किए हैं ब्राउन कलर येलो कलर फिर वाइट कलर ये इन सब चीज़ों से ऑर्नामेंटेशन जो है देखो सारे की सारी वो सारी वाइट कलर से दिखाई गई हैं तो ये सारे कलर्स और ऑर्नामेंटेशन के तरीके यूज किए गए हैं पेंटिंग्स के अंदर ठीक नेक्स्ट पेंटिंग है जीरो हल्दी ग्राइंडर ये एक ऐसी पेंटिंग है जो कि पूछी गई है आपसे बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर ठीक है क्यों भाई क्योंकि इसके अंदर आपको रूलर पुअर और इंडियन विलेज से रिलेटेड चीज़ जो है वो दिखाई गई है दैट इज द रीजन ठीक है ये पेंटिंग पूछी गई इसका कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे ठीक है आपको याद या के तो आपको नाम बताना है अमृता श्रीगल का नाम दे रखा होगा ठीक है आपको पेंटिंग आइडेंटिफाई करने के जिसमें आपको रूलर तरीके से दिखाया गया है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं ऐसे करके आपको पेंटिंग हल्का हल्का डिस्क्रिप्शन दे देगा आपको खुद जानना होगा उस टाइम पे और एक हिंट डेफिनेटली देगा कि भाई ये बंगाल स्कूल से ली गई पेंटिंग है ठीक है चलो भाई शुरू करते हैं तो इसमें बहुत ही ग्रेट एम्पथी और फैसिनेशन वगैरह हमें दिख रही है इस पेंटिंग के अंदर कैसे क्योंकि इसके अंदर रूलर पुअर के बारे में बताया गया उस टाइम के जो रूलर पुअर थे ना अमृता शेगल का अगर आप प्रॉपर पढ़ोगे इसके बारे में उनके तो तो बारे में थोड़ा सा जानोगे तो उसमें बता रखिए ये बात कि जो अमृता शेरीगुल जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह बनाती थी वो इंडिया में आई थी कहाँ से आई थी बाहर से आई थी इंडिया के अंदर तो उन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह बनाई थी उनके अंदर प्रॉपर उन्होंने रूलर रूलर फैसिनेशन वगैरह चीज़ें दिखाई थी ठीक है इसी के साथ साथ आप लोग देख रहे हो कि भाई डोमेस्टिक इंडियन हाउस होल्ड के बारे में दिखाया गया है दो ट्रिक ट्रंग्स दिखाए गए हैं और साथ ही साथ यंग गर्ल जो है वो बीच में बैठी हुई दिखाई दे रही है इसका ऐसे हेड जो है हम लोग देख सकते हैं पीछे भी एक और हेड है छोटा सा तो 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 सर जो है वो हमें विजिबल है ठीक है और जो तो तो जितने भी पेंटिंग्स के चेहरे हैं वो नहीं दिख रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हैं ठीक है एब्स्ट्रैक्ट है इस बात को याद रखना और तो और ट्रीज जो है वो टाइम के इंडियन के विलेज को इंडियन के पेंट पेंटिंग्स को दर्शा रहा होता है और तो और इसी के साथ साथ तो एक्स्ट्रा पेंटिंग है क्योंकि इसके अंदर हम देख सकते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न ये तो दोनों आर्ट है हम उसका मिक्सचर इसमें दिख सकते हैं इस पेंटिंग के अंदर और कौन कौन से कलर यूज़ किए गए हैं रेड येलो ब्राउन ग्रीन ये सारे अलग अलग कलर्स यूज़ किए गए हैं ठीक है येलोस दो टाइप yellow yellow और के येलो है येलो ऑर्क है और ये नॉर्मली येलो है ठीक है अब मैंने ब्लैक कलर से नीचे छोटा सा लिखा हुआ दैट इज ग्राइंडिंग टर्मरिक ठीक है हल्दी ग्राइंडर दैट इज ग्राइंडिंग टर्मरिक तो आपसे क्वेश्चन में ये ये भी बोल सकते हैं कि भाई देर ग्राइंडिंग टर्मरिक एंड देर वॉज लाइक रूलर इंडियर पुअर विलेज़ के बारे में दिखा रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐसे हल्के हल्के पॉइंट जो आपको पकड़ने आने चाहिए क्वेश्चन के बीच में से ठीक है ओके नेक्स्ट हम आते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट ठीक है ना मॉडर्न ट्रेंड्स के अंदर अगेन ये जो पेंटिंग है ना मदर टेरेसा की ये बहुत बड़ी सी और बहुत सुंदर सी पेंटिंग एक्चुअली में लगी हुई है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अंदर ठीक है तो वैसे मैंने इसके बारे में छोटे सा एक ब्लॉग बना के डाला है तो ज़रूर चेकअप करना कि एक्चुअली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिखता कैसा है ठीक है ओके सो अगर अगेन हम लोग आते हैं मदर टेरेसा की किसने बनाई है एम एफ हुसैन ये वही आर्टिस्ट है जो मैंने आपको बताया भी था कि किसी एक्टर के द्वारा दिखते हैं एक्टर ऑफ अमिताभ बच्चन के तरफ दिखते हैं ठीक है तो उनके तरह दिखते हैं तो एम एफ हुसैन है 1997 में पेंटिंग को बनाया गया है ठीक है इसके बाद आते हैं कि जो पेंटिंग है वो दिखा के आ रही है प्रॉपर ब्लैक बोल्ड लाइन से इस पूरी की पूरी पेंटिंग को दिखाया गया है और तो और साथ ही साथ मदर टेरेसा को वाइट साड़ी से और ब्लू बॉर्डर से आप लगा मदर टेरेसा को हमने बचपन से लेकर आज तक तो हम सब ने कभी ना कभी देखा है तो कभी देखा कभी वो रंगीन कलर कपड़े पहन करके आई हूँ नहीं ना तो हमेशा उनके कैसे कपड़े थे हमेशा वाइट कपड़े होते थे एंड ब्लू कलर का बॉर्डर होता था तो वही इस पेंटिंग के अंदर भी दर्शाने की कोशिश की गई है ठीक है और तो और अब इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया ठीक है पहला पार्ट कि जहाँ पे वो एक ऑर्फन गर्ल को शेल्टर दे रही हैं दूसरा पार्ट जहाँ पे एक सिक्स पर्सन उनकी ऐसी नीस पे लेटा हुआ है और तीसरा पार्ट जहाँ पे एक चाइल्ड उनके जो छोटा बच्चा है वो उनके लैप पे ऐसे बैठा हुआ है ठीक है तो मैं चाहती हूँ आपको जितना छोटा से छोटा हो सके आपको एक पेंटिंग के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँ ठीक है तो इसलिए मैंने खाली मिनिमल मिनिमल पॉइंट्स ही रखे हैं जो आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएंगे ठीक है आपको लिखे कैसे आना है पहला आर्टिस्ट दूसरा टाइम पीरियड तीसरा इसकी टेक्निक है इस टेम्परा एंड वॉश टेक्निक ठीक है स्कूल हो गया आपका बंगाल स्कूल कहाँ पे कलेक्शन है इसका भाई नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली के अंदर कलेक्शन है एंड सिक्स हो गया आपका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिल गए आपको पूरे के पूरे नंबर कहीं नंबर नहीं गए आपके ठीक है आपको करना क्या है खाली आपको खाली इस पेंटिंग को जो है इस पेंटिंग को खाली याद रख लेना कि कैसी ये पेंटिंग बना रखी है ओके okay? चलो भाई फाइनली दिस आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया अब खाली छोटे छोटे दो चैप्टर्स बचे हुए दैट इज ग्राफिक प्रिंट आने जी के जस्ट बाद आता है आपका मॉडर्न स्कल्पचर्स के ऊपर जिसमें आपको खाली और खाली आपके जितनी भी पेंटिंग्स हैं वही पढ़नी है वही इंपॉर्टेंट आती हैं ठीक है थीके? तो आप वो मैं खाली इस पर बता रही हूँ कि इसके नाम क्या क्या हैं अलग अलग ग्राफिक प्रिंट्स होते क्या है प्रिंट इज बेसिकली कि कहीं भी जो आर्टवर्क उसको कैसे प्रिंट आउट निकाल प्रिंट आउट मतलब प्रिंट निकालना है अलग अलग तरीके से प्रिंट निकाला जा रहा है अब आपका यहाँ पे वुड कट एंड लिनो कट जैसे वुड को ऐसे छानने छादने छाप देते हैं वुड कट एंड लिनो कट इसी के साथ साथ फिर हम आते थे ग्राफिक प्रिंट में के अंदर एचिंग एंड एकोटिन की भाई नीडल की मदद से जो पेंटिंग्स बनाते थे फिर उसको एक शीट के ऊपर निकाल लेते थे फिर ड्राई पॉइंट की भाई खाली एक नीडल की मदद से एक फैब्रिक शीट के ऊपर पेंटिंग्स वगैरह कर देना इसी के बाद ग्राफी लिथोग्राफी स्टोन लिथो स्टोन के ऊपर पेंटिंग्स बनाते थे फिर उसी का एक प्रिंट आउट निकाल लेते थे फिर आते हैं सेरीग्राफी सेरीग्राफी प्रॉपर एक इंक को फैला करके फिर उसको आगे पूरी शीट पे फैला देना दैट इज ओन सेरीग्राफी चलो भाई नेक्स्ट टाइम आता है लास्ट में दैट इज आपका मोनोप्रिंट मोनोप्रिंट मोनो एग्जांपल एग्जाम्पल कैसे हम लोग कोई भिंडी भिंडी छाप देते थे बचपन में तो भाई छापा मतलब क्योंकि छाप छाप के बनाना उस पेंटिंग को तो डैट इज ओन इज मोनोप्रिंट से पेंटिंग्स को बनाना ग्राफिक प्रिंट्स के पेंटिंग्स को बनाना ओके फाइनल आता है इसकी प्रॉपर आपकी कुछ पेंटिंग्स के ऊपर अब से आपको मिलाकर खाली आपको आठ पेंटिंग्स पढ़नी है दैट्स इट फिर आपका पूरा का पूरा पेंटिंग सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है चलो भाई फटाफट कंप्लीट कर करते हैं सबसे पहले आता है हमारा चिल्ड्रन ठीक है तो चिल्ड्रन जो ये पेंटिंग है आपके बनाई है सोमनाथ होड़ ने और कब बनाई है 1955 से 1970 के ऊपर कब है और किस टेक्निक से बनाई गई है आपकी वो बनाई गई है एच एंग एक्वा टेंट की अब यहां से आपकी टेक्निक्स को मेंशन करना इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपके लिए ठीक है तो टेक्निक्स को इंपॉर्टेंट करने के लिए ही आपको ये पेंटिंग पूछी जाएंगी ठीक है चलो भाई टेक्निक क्या है आपकी एचिंग एंड एकवाडेंट से आपका बनाया गया है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि भाई रिप्रेजेंटेट जितने भी जो चिल्ड्रन है वो ऐसे हंगरी तरीके से दिखाए गए हैं कैसे पता चल रहा है उनका जो पेट है ना वो बड़े से ब्लोटेड तरीके से पेट को दिखाया गया है और तो और इसी के साथ तो उनकी मदर भी वहीं पर खड़ी

करेक्टर्स दिख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे पुअरली पुअर poor तरीके से बहुत डिप्रेस्ड है ऑफकोर्स ये बात है ठीक है फिर आते हैं हम लोग मिड ब्लू कलर माइल्ड uh, ब्लू कलर से ग्रे कलर से ब्लैक कलर से ये हर के सारे डीप कलर्स यूज किए गए इस पेंटिंग को दिखाने के लिए उस टाइम की ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ को दिखाने के लिए अब आप रखना हो यहाँ से आपके जितनी भी पेंटिंग्स पूछी जाएंगी वो सारी की सारी होंगी कि भाई कौन से क्या ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ दिखा रहा है ठीक है तो ये वाली पेंटिंग हो गई आपकी फिर आता है संथाल फैमिली जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा आपका ठीक है ट्रायम्प ऑफ लेबर ये सब क्या ये सब ह्यूमन लाइफ वैल्यूज दिखा रहे हैं है। हमें पता चल रहा है हमें दुख दर्द हो रहा है इन, इन लोगों की पीड़ाओं को देख करके तो इसका मेन मकसद ही यही है ठीक है चलो भाई नेक्स्ट हम आते हैं देवी देवी किसने बनाई है ज्योति भट्ट ने बनाई है 1965 से 1975 के बीच की पेंटिंग बनी हुई है एचिंग एंड इन से इस पेंटिंग को बनाया गया है ओके okay, फिर हम आते हैं इसके अंदर हमें देख के इसके अंदर फर्टिलिटी की पावर को दिखाना एंड कंडलोनी इन सर्कल्स को इस पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है इस उसकी पावर को दिखाया गया है और तो और हम लोग लोअर सेक्शन में जो इसका लोअर सेक्शन है वहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉपर एक प्रिंट प्रोवाइड किया गया है इस पूरी की पूरी फ्रेम को एचिंग एंड अगेन इंटागल से बनाया गया इस पूरी की पूरी पेंटिंग को ब्लैक कलर से अलग अलग टेक्स्चर जो है इसको उस तरीके से दिखाया गया है बहुत ही डिटेल्ड टेक्सचर है अगर आप इसकी पेंटिंग को बिल्कुल ध्यान से नोटिस करोगे तो बहुत ही डिटेल्ड टेक्सचर से इस पेंटिंग में दिखाया गया एंड ये दो ऐसे सर्कल्स ठीक है प्रॉपर सर्पेंटाइन सर्पेंटाइन कैसे पता चला सॉरी सर्पेंटाइन कैसे पता चला इस चीज़ से पता चलता है कि प्रॉपर एक सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर से दिखाया गया है इसको ठीक है हम लोग देख सकते हैं कि भाई वर्म मिलियन डॉट ये जो ऊपर डॉट दिख रहा है सर भी ये वर्म मिलियन डॉट है ऐसे वाइड ओपन आइज़ है एंड ये दुर्गा माँ दुर्गा की जो इमेज है बंगाल की उसको इसके अंदर दिखाया गया है और इसको फर्टिलिटी क्यों बोला गया है आपने अगर बिल्कुल ध्यान से नोटिस किया होगा इन दो सर्कल्स के अंदर सर्कल्स के अंदर अगर ध्यान से नोटिस किया हो होगा तो इन सर्कल्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे वो फर्टिलिटी की जो पावर है उस टाइम की उसको दिखाने की कोशिश की गई है ओके okay. फिर नेक्स्ट हम आते हैं आपके ऑफ वॉल के ऊपर ऑफ़ वॉल के अंदर आप देख सकते हो कि भाई जो ये प्रॉपर जो पेंटिंग है है अनुपम सूद ने और 1982 में लिथोग्राफी की टेक्निक से इस पेंटिंग को बनाया गया था ओके नेक्स्ट हम आते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल से परफेक्ट क्राफ्टमैनशिप दिखाई गई है और तो और काफ़ी ज़्यादा से प्रोमिनेंट रोल जो है दिखाया गया इस पेंटिंग के अंदर ठीक है फिर लिथोग्राफी की टेक्निक से बनाया गया है किस पे लाइम स्टोन लिथोग्राफी हो तो लाइम स्टोन की टेक्निक से बनाना फिर उसको प्रिंट ले लेना एक पेज के ऊपर वो था आपका लिथोग्राफी टेक्निक ठीक है फिर बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी को दिखाना इमोशंस लाइफ वैल्यूज़ उन सबको इस पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है फिर आते हैं फीलिंग ऑफ ह्यूमन बींग ओके okay, अगेन देखो जब आप ये पेंटिंग को देख रहे हो आपको पता चल रहा है कि भाई जो एक औरत साइड में बैठी हुई हैं उनको कितना दुख है उनको कितना पीड़ा है कि उनके सामने कोई ऐसे मेल ऐसे कोई कोई पड़ा हुआ है फिर उनके पीछे ऐसे नॉर्मल फोक स्टोरीज वगैरह चल रही हैं वो बहुत दुखी हैं बिल्कुल उदास बैठी हुई है तो ये सब आपको क्या ये सब नॉर्मल ह्यूमन वैल्यूज उनकी पुअर वो कितने पुअर है वो कितने डिप्रेस्ड है वो सारी चीज़ें आपको इस पेंटिंग के अंदर दिखाई गई हैं ठीक है और तो और इसी के साथ साथ पेंटिंग क्या वुमेन जो है वो वॉल के जस्ट अंडर बैठी हुई है और मेल का लोअर लिम्ब आप पेंटिंग में से देख सकते हो आगे आ रहा है ठीक है दैट इस फोरग्राउंड के अंदर फोरग्राउंड मतलब कि जो आगे का एरिया सॉरी ये जो आगे का एरिया आप देख रहे हो इस आगे वाले एरिया के अंदर ठीक है एंड इसी के साथ साथ और तो और हम लोग देख सकते हैं कि भाई जो वॉल है वो ब्राउन कलर से है फोक एंड वाइट आर्ट वाइट आर्ट मतलब कि वाइट कलर से उसके ऊपर ऐसे पेंटिंग्स वगैरह अलग अलग फोक आर्ट दिखाए गए हैं उस वॉल के ऊपर तो बहुत ही डिटेल्ड पेंटिंग भी है ये ठीक है और इसी के साथ साथ प्रॉपर हर चीज़ दिखाई गई है बस खत्म पेंटिंग फिर हम आते हैं मैन वुमेन एंड ट्री एंड फाइनली इसको बनाया गया है के लक्ष्मण गूद ने 1980 से 1990 के बीच में अगेन इसमें भी लिथोग्राफी टेक्निक ही यूज़ की गई है ठीक है ये देख रहे हैं हम लोग वर्टिकल मतलब इसे सीधी लंबी पेंटिंग है वर्टिकल पेंटिंग है इससे पहले भी दो पेंटिंग्स ऑलरेडी आ चुकी है वर्टिकल पेंटिंग्स के बारे में चलो भाई फिर देख रहे हैं भाई ग्राफिक प्रिंट से इसको बनाए गए हैं चार पेड़ दिख रहे हैं हम इसमें एक वुमेन बैठा हुआ है उसके सामने एक मैन बैठा हुआ है ठीक है वुमेन जो है वो एक ट्री के नीचे बैठी हुई जिसने ऐसे नोज रिंग पहन रखी है नेकलेस पहन रखा है एक दूसरे की तरफ दिख रहे हैं भाई वो दोनों ठीक है और तो इसी के साथ साथ मैन जो है वो अगेन उसी ट्री के नीचे बैठा हुआ है एक और ट्री के नीचे बैठा है वो वुमेन की तरफ देख रहा है ऐसे 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 दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को चलो भाई फिर हम आते हैं लाइट ब्लू कलर से और ग्रीन कलर से पूरी पेंटिंग बनाई गई है और तो और हम लोग आगे स्टार्टिंग जो फोर ग्राउंड है उसके अंदर देख सकते हैं हम लोग कि भाई ग्रीन कलर से उन्होंने बुशेस बना दिए गए हैं ठीक फाइनली एंड फाइनली हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट चैप्टर के ऊपर दैट इज मॉडर्न स्कल्पचर के ऊपर जो आपको पढ़नी है दैट्स इट दैट इज फर्स्ट वन इज अ ट्रायम्प ऑफ लेबर ठीक है ये बनाई है आपकी डी पी राय चौधरी ने एंड ये एक स्कल्पचर है तो, तो याद रखना इस बात को यहाँ से आपके स्कल्पचर शुरू हो गए हैं ठीक है तो स्कल्पर बनाइए नहीं डी पी राय चौधरी ने 1959 के अंदर प्रोन्स और सीमेंट का यूज करके प्रॉपर ये एक स्कल्पचर है जो इंडिया गेट आ, से अब गुजरोगे आपको तब भी दिखाई दे जाएगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है वहाँ आप पे भी आपको दिखाई दिया जाएगा ठीक है ओके फिर हम आते हैं इसमें क्या कहाँ देख सकते हैं हम लोग इसको गेट के सामने से गुजरते हुए देख सकते हैं इसमें हमें देखने कि भाई चार जो लोग हैं वो स्टोन की जो ब्लॉक है ना उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं किससे एक वुडन के लॉग से और तो और जितने भी लोग हैं वहाँ पर उन्होंने लॉइन क्लोथ्स पहन रखे हैं लॉइन एंड क्लोथ्स का मतलब ये होता है कि भाई जितने भी लोग हैं उन्होंने बिल्कुल पतले पतले कपड़े पहन रखे हैं लॉइन एंड क्लोथ्स इसी के साथ साथ जो दो हैं उनके ऐसे हेड कवर हैं और इसी के साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि भाई प्रॉपर पूरे हिली एरिया में ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं हिली एरिया है ठीक है इसी के साथ साथ यूनाइटेड एफर्ट क्वेश्चन बन गया यहाँ पे आपको कि भाई यहाँ पे ह्यूमन लाइफ वैल्यूज दिख रहे हैं और यूनाइटेड एफर्ट्स दिख रहे हैं हमें बताओ पेंटिंग स्कल्पचर या पेंटिंग कौन सी है ठीक है तो हमें कहाँ पर चल रहा है भाई ट्रैम्प ऑफ लेबर है अब इसमें आंसर अगेन आपको ऐसे लिख के आना है भाई इसका आर्टिस्ट इसका टाइम पीरियड इसका भाई किस चीज़ से बनाई गई है पेंटिंग सो तो इसका ठीक है दैट इज आपका ब्रॉन्जन सीमेंट से कहाँ पे है भी भाई नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट या फे जो इंडिया गेट के सामने अगर गुजरोगे न्यू दिल्ली में तो वहाँ से आपको दिख जाएगा ठीक है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट भी लिख करके आओगे तो वो गलत नहीं है बिकॉज वहाँ पर भी है ठीक है मैंने वो जो ब्लॉग वगैरह उसमें भी आप देख सकते हो कि वहाँ पर भी है ठीक चलो भाई अगले मानते हैं संथाल फैमिली के ऊपर ठीक है संथाल फैमिली के अंदर देख रहे हैं अगेन आपको लिखना है भाई किसने बनाया आर्टिस्ट का राम किनकर बज नाइनटीन थर्टी एट की इस है। और और से इस अगेन इस बनाया गया है ठीक है रोड साइड और रफ टेक्स्चर है कहाँ का है ये जो स्कल्पचर है आपका शांति निकेतन का है शांति निकेतन के आपके स्कल्पचर है और इसी के साथ साथ इसके अंदर लोग देख कह रहे हैं कि भाई माइग्रेशन हो रहा है एक फैमिली का एक जगह से दूसरी जगह पे क्योंकि भाई ज़्यादा तो प्रॉब्लम हो रही है उनको कोई दिक्कत हो रही है उनसे एक जगह रहा नहीं जा रहा है वो डिप्रेस है इस वजह से ठीक है उनको जाना पड़ रहा है इसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल फिगर्स हैं मेल है फीमेल है डॉग है चाइल्ड है, है तो बहुत सारे अलग अलग जो है लोग हैं ठीक है ठीके? और ये सब क्या कर रहे हैं वॉक कर रहे हैं जा रहे एक दूसरी जगह ठीक है और इसी के साथ साथ जो फीमेल है उनके सर पे ऐसे लोड है प्लस उन्होंने अपने चाइल्ड को पकड़ा हुआ है अपने लेफ्ट वेस्ट पर और तो जो चाइल्ड है वो एक दो चाइल्ड है ठीक है एक तो उनके से हाथ में छोटा बच्चा और एक आगे बास्केट में भी बैठा हुआ है ठीक है तो दो चाइल्ड है इसमें और तो और एक बैलेंसिंग रॉड से ठीक है बैलेंसिंग रॉड से वैसे लटके हुए हैं जिसमें कि हाउस होल्ड मटीरियल जो है वो आगे की जो स्कल्पर उसको आप देख सकते हो यहाँ पे फोकस करना आप ठीक है कि ये जो बच्चा है यहाँ पे बैठा हुआ है ये जो बैलेंसिंग रॉड है ये पीछे यहाँ पे ये बैलेंसिंग रॉड है ठीक है आगे डॉगी भी है यहाँ पे ठीक चलो भाई आगे डॉग भी है डॉग एंड चाइल्ड भी है प्रॉपर ग्रेव सीमेंट और रेड कलर से पेंट पूरे पूरे स्कल्पचर को जो बनाया गया है ठीक फिर हम आते हैं नेक्स्ट दैट इज आपका क्राइज अनहर्ड ये अगेन आपकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है बहुत छोटी है और बहुत अच्छी पेंटिंग है इस कल्पचर है आपकी ठीक है ओके फिर हम आते हैं अमरनाथ सहगल अमरनाथ सहगल ने इसको बनाया है 1958 में ब्रोंज इसका जो मीडियम है वो ब्रोंज मीडियम है फिर आते हैं इसमें बहुत सिंपल जैसा आपको दिख रहा है वैसे आपको एक्सप्लेन करना कि मैन वुमेन और चाइल्ड है वो बिल्कुल ऐसे हाथ ऊपर करके अपने हाथ को ऐसे ऊपर करके बता रहे हैं वो कितने पीड़ा में है कितने ग्लूमी डेज दिख रहे हैं वो ठीक है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो उनके जो मास्ट जो फेस है वो प्रॉपर से मास्ट का डिटेलिंग नहीं, कोई नहीं है उनके फेसेस में ठीक है और तो और काफ़ी ज़्यादा शैगनी दिखा रहे हैं डिस्ट्रेस दिखा रहे हैं इसी के साथ साथ जो प्रॉपर की जो बुरी की पूरी जो स्कल्पचर है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ दे रही है स्कल्पचर को और तो और ह्यूमन की जो क्राइज है उनकी हॉलोनेस है अंदर की उसको दिखा रहे हैं इस पेंटिंग के जो स्कल्पचर है उसके अंदर स्कल्पचर के अंदर फाइनली एंड फाइनली आपकी लास्ट कल्चर पर आज लाट ऑज ए गणेशा है गणेशा में देख रहे हैं हम लोग पी वी जाना किरम ने जो पूरी आपकी स्कल्पचर है इसको बनाया है और तो और नाइनटीन सेवनटी से नाइनटीन एट्टी के बीच में आपका ये जो स्कल्पचर है वो बना था वायर टेन ऑक्सडाइज कॉपर उससे बनाई गई है स्कल्पचर के अंदर और तो और गणेशा अब ये है क्या ये दणेश जी जब वो डांसिंग पोस्चर में है, अब जैसे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं आप ऐसे ही पॉइंट्स देखिए आजमीन अगर क्वेश्चन आता है तो अगर आता है तो चलो भाई हम देख रहे हैं कि भाई जो तो लेफ्ट फुट है वो डाउन है जो राइट right, जो फुट है उनका जो लेग है वो उनका वो फोल्डेड है नियर द लेफ्ट नी के आसपास और तो और ऊपर का जो राइट right हैंड है उन एक उन्होंने लोटस बट पकड़ा हुआ है लेफ्ट हैंड भी उनके एनग्रेवर है एंड इसी के साथ साथ अदर जो दो हैंड्स हैं उनसे वो ऐसे वीणा को बजा रहे हैं पूरे जो इस स्कल्पचर उसको मेटल टेन एंड कॉपर वा ऐसे बनाया गया है और अलग अलग डिज़ाइन से इस पूरे के पूरे जो स्कल्पचर है उसको बना दिया गया है और ये फाइनली पूरा वन शॉट रिविजन खत्म हो गया है जाने से पहले सुन लो ठीक है इसमें ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई तो इस वजह से जिसका आपको जो मैंने बोलता बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके वो इस वीडियो के नीचे डाल देना ठीक है एंड आपको जो स्क्रीन पर भी देखा होगा वो इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन वाला पॉइंट तो उसको प्लीज़ जरूर जाकर चेकआउट जरूर करना कि मैंने इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं नोटिस हो गया आपका रिपोर्ट हो गया आर्टिकल हो गया जॉब एप्लीकेशन लेटर टू एडिटर ये सारी चीज़ें हैं एंड इसके बताया इन्विटेशन राइटिंग है और आर्टिकल राइटिंग है ये सब मैं चैनल पर ऑफकोर्स ही बताया आ जाएगा और तो और इसके अंदर आपको गोल्डन पॉइंट बताएंगे आप एज इट इज उसको नोट डाउन करके आ सकते हो आपको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी दैट इज एग्जांपल्स हो गए प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए फॉर्मेट हो गया ठीक है तो डू चेक आउट दीज वीडियोज उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड येस ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशनस और कुछ भी प्रॉब्लम हो कुछ भी क्वेरीज हो अभी भी कुछ पूछना हो तो प्लीज़ अब बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में जिससे कि मैं फटाफट से जो नेक्स्ट वीडियो लाऊँ उसके अंदर आप सारे के सारे जो क्वेश्चन है जो आंसर है उसको मैं बता सकूँ डिस्कस कर सकूँ एक जगह ठीक है सो टिल देन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टेक केयर एंड बाय बाय